पहले से ज्यादा ताकतवर है। गाइस, होशियार रहना। क्रोश अटैक। This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हिंदी मूवी की भाषा में। तो दोस्तों, अगर आप लगुनीत मोगा की फैन हो और किल मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किल 22/3 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो निखिल गणेश भट्ट की द्वारा लिखित और निर्देशित है और करण जौहर, गुनीत मोगा, अपरू मेहता और अचिन जैन की द्वारा निर्मित है। फिल्म में नवोदित लक्ष्य के साथ राघव जियाल, आशीष विद्यार्थी, हर्ष छाया, तानिया मणिकतला और अभिषेक चौहान हैं। फिल्म किल का प्रीमियर 7 सितंबर 2023 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहाँ यह फिल्म पीपल्स चॉइस अवार्ड मिडनाइट मैडनेस के लिए फर्स्ट रनर अप रहा। इसे जून 2024 में ट्रिब्रेका फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया कि फिल्म को 5 जुलाई 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसी आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। सेना की कमांडो अमृत राठौर को पता चलता है कि उसकी प्रेमिका तुरिका की सगाई उसकी मर्जी के खिलाफ हो गई, जहां वह शादी को रोकने के लिए एक साहसी खोज में नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है। हालांकि फानी के नेतृत्व में चाकूधारी डाकू का एक गिरोह ट्रेन में यात्रा को अंतिम करना शुरू कर देता है, जहाँ अमृत और उसका दोस्त विदेश यात्रियों को बचाने के लिए डाकू से भिड़ जाते हैं। टोरंटो में अपनी प्रेमिया से एक महीने से भी कम समय पहले धर्मा पोरकसन और सिखिया एंटरटेनमेंट ने मई 2023 में घोषित एक कंटेंट पार्टनरशिप के तहत पहली बार निखिल नागेश की भट्ट की दर निर्देशित फिल्म किल की घोषणा की। सुभाष की जा के साथ एक संगीतकार में निर्देशन निखिल नागेश भट्ट ने कहा कि अभिनेता को MMA कलाकारों के साथ प्रशिक्षित किया जाना था। भट्ट ने एक संगीतकार में यह भी कहा कि किल 99.5 में उसके द्वारा अनुभव की गई एक वास्तविक जीवन की ट्रेन तो कहती से प्रेरित थी। गीत निकट को रेखा भरदार ने गाया और गाने का संगीत हारून गोविंद ने बनाया और गीत सिद्धार्थ कौशल की द्वारा लिखे गए जाकू राकेश आइया, विक्रम मैंटूस की द्वारा रचित और शेखर ऋषि तैतूर की द्वारा लिखित है। किल का प्रीमियर 7 सितंबर 2023 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मिडनाइट मैडनेस एक्स में हुआ। फिल्म 5 जुलाई 2024 को भारत में एक नाटकीय रिलीज है। अक्टूबर 2023 में लायंस गेट ने उत्तरी अमेरिकी और यूनाइटेड किंगडम के लिए वितरण अधिकार हासिल कर लिए, जो कि हॉलीवुड स्टूडियो की तरह संयुक्त रहे अमेरिका में सीधे रिलीज करने के लिए हिंदी भाषा की फिल्म हासिल करने का पहला उदाहरण था। फिल्म को उत्तरी अमेरिका में 20 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज किया गया। लाइसेंस ने रोड साइड और टी क्रॉसन के साथ मिलकर बाद में भारत में रिलीज होने से एक दिन पहले 4 जुलाई 2024 को संयुक्त अमेरिका में एक नाटकीय रिलीज के लिए
फिल्म को शेड्यूल किया। बी डिस्ट्रीब्यूशन 5 सितंबर 2024 को अर्जेंटीना थिएटर का रिलीज के लिए फिल्म को रिलीज करने के लिए तैयार है। पेरिस प्रिंट 9 सितंबर 2024 को ब्राज़ील का सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज करेगी। पैराडाइव ग्रुप ने 25 जुलाई 2024 को रूसी सिनेमाघरों में के नाम से फिल्म को रिलीज करने के लिए वितरण अधिकार हासिल किए। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रटन टोमेटोज पर 91 आलोचकों की 90 समीक्षाएं सकारात्मक, जिनकी औसत रेटिंग 7/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है कि एक आतंक रोमांचकारी सवारी को कच्चे भावनात्मक दाव पर आधारित है, कि एक ऐसा सैंडविच पेश करती है जिससे एक्शन प्रशंसक खुशी खुशी खाएंगे। मेटाक्रिटिक ने 80 आलोचकों के आधार पर आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं का हवाला देते हुए 100 में से 74 के स्कोर के साथ फिल्म को रेट किया। इंडिया टुडे की जीनिया बदोपाध्याय ने फिल्म को 4.55 स्टार दिए और लिखा, यह एक्शन और अन्य सभी प्रशंसकों के लिए देखने लायक है। Reddit.com की सुकन्या वर्मा ने 4.5 स्टार दिए और कहा, हिस्सा के बारे में एक अति हिंसक फिल्म की किल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ इसकी मृत्यु संख्या नहीं है, बल्कि हिस्सा के बारे में हमारी धारणा को चुनौती देना है। बॉलीवुड हंगामा ने 3.55 दिए और लिखा, कुल मिलाकर के किल एक हिंसक और स्टाइलिश एक्शन एंटरटेनर। NDTV के साइबल चटर्जी ने 3.55 स्टार दिए और कहा कि किल में एक नैतिक दिशा निर्देश है जो सामने आने वाली युद्ध के लिए एक स्पष्ट दर्दक है। पिंक व्हीलर की सृष्टि जुगानी ने 3.55 स्टार दिए और लिखा, एक सघन कथानक और अधिक भयानक। प्रीति पक्षी के साथ किल एक फिल्म के रूप में और भी बेहतर काम कर सकती थी। द इंडियन एक्सप्रेस की सुबह गुप्ता ने कहा कि किल एक दुबली पतली मतलबी हत्या मशीन है। द हिंदू की शिलाजीत मित्रा ने लक्ष्य के अभिनय की प्रशंसा की और कहा, लक्ष्य जिसे हिंदी सिनेमा की नई हत्या मशीन के रूप में अत्यधिक प्रचारित किया जा रहा है, पसीने से तर मजबूत और खौलता हुआ है। युवा अभिनेता टाइगर साफ या विरुद्ध जामवाल की एट लेडी कटा को नकराता है। इसके बजाय आदि केंद्रित संघर्षपूर्ण लड़ाई शैली को विकल्प चुनता है। मीन की उदय भाटिया ने कहा कि किल वास्तव में एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म नहीं, इसमें कोई स्लो मो नहीं है, कोई रिलीज नहीं, कोई सांस लेने की जगह नहीं। स्क्रॉल इन की नंदिनी रामनाथ ने टिप्पणी की, फिल्म का सबसे यादगार दृश्य इस सीधे हॉरर क्षेत्र में ले जाता है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के कार्तिक भरदार ने 4.5 स्टार दिए और लिखा, यह अपनी खुद की कहानी बुनता है। हाथापाई और उड़ते हुए किक पहले आते फिल्म की किल को अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों से प्रशंसा मिली। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की किम न्यूमैन ने कहा, पहला भाग बिल्कुल धीमा नहीं है, लेकिन वास्तविक कार्रवाई शुरू होने से पहले बुनियादी संघर्षों को स्थापित करना शुरू होगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स की जीनेट की कैट स्टाइलिस ने फिल्म को आर रेटिंग दी और लिखा, आधी खत्म हेर फेर एक परेशान करने वाली हत्या लगभग अश्लील रूप से लंबी है। फिल्म चकदार रूप से प्रभावशाली और डरनी रूप से क्रू है। द गर्जियन की कैथरीन ने ब्रे ने कहा कि किल की उचेसे को एक ऐसी ऊर्जा और उत्साह के साथ हासिल किया गया जो इसे एक्शन सिनेमा एक स्वारिश टुकड़ा बनाता है, जो अपनी मुक्कों को नहीं खींचता या उंगलियों को चटकाने वाला अच्छा है। द टाइम्स की केविन महर ने कहा, कथानक दर्दनाक रूप से सती और अमृत नामक एक घातक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कमांडो को रखता है। क्लाइडर के नेट रीचर ने फिल्म को बी रेटिंग दी और लिखा, निखिल नागेश भट्ट की आक्रामक रूप से हिंसक एक्शन फिल्म एक पंथ क्लासिक बनने के लिए कस किस्मत में है। वैरायटी की पीटर ट्रिब्रुज ने लिखा, देश में अब तक बनी सबसे क्रूर फिल्म किल एक चौंकने वाली ग्राफिक एक्शन सुकेश है जो एक ऐसे उद्योग से जो आमतौर पर हिंसा को आदि कर्तूनी रजिस्टर में दिखाता है। द मर्करी न्यूज के रैन मैरियस ने कहा, करहाने वाले 50 मिनट की प्रदर्शन के बाद फिल्म उस सभी सम्मान को छोड़ देता है और एक धमाकेदार फिल्म बन जाती है, जबकि
लक्ष्य की हमारे अगले बड़े एक्शन स्टार बनने के लिए एक ठोस तर्क देती है। बॉलीवुड रिपोर्टर के फ्रेक सेठ ने कहा, लड़ाई के दृश्य बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ फिल्माए और इस्पारित किए गए, लेकिन वे अपने बिना रुके इतनी बेरहमी से चलते कि देखने का अनुभव सुरोना हो जाता है। इंडी वायर की डेविड आर्लिस ने फिल्म को बी रेटिंग दी और कहा कि किल अपने मुख्तफर सेंसर के साथ बहुत बहुत अच्छी तरह से काम करते, लेकिन साथ भट्ट की एक्शन असाधारण के बारे में सबसे आयोजनक बात यह है कि यह कभी भी ट्रैक से हटे बिना उम्मीदों को उलट देती है। सीजी मैगजीन को शामिल शौकी लैपटॉप ने 8/15 रेटिंग दी और लिखा कि साल की सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्मों से एक है और एक्शन प्रशंसकों को इसे अपने रडार पर रखना चाहिए। फिल्म की मैट डोनाटो ने फिल्म को 10 में से 9 स्टार दिए। उन्होंने यह भी कहा, कोई भी आनंददायक बॉलीवुड डांस इंटरल्यूड नहीं है, यह RR नहीं है। भट्ट की शानदार क्रू फिल्म में द नाइट क्रॉम्स फार अस या द रेड जैसे कि इंडोनेशियाई बदमाशी से ज़्यादा समंदर, जो चाकू की घावों से खून की नदी की तरह बहने वाली खतरनाक हिंसा को बढ़ाती है। स्लेट मैगजीन की राय की मैक इंडो ने फिल्म और हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हिंदी मूवी की भाषा में। तो दोस्तों अगर आप गुनीत मोगा की फैन हो और किल मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किल 22/3 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो निखिल गणेश भट्ट की द्वारा लिखित और निर्देशित है और करण जौहर, गुनीत मोगा, अपरू मेहता और अचिन जैन की द्वारा निर्मित है। फिल्म में नवोदित लक्ष्य के साथ राघव जियाल, आशीष विद्यार्थी, हर्ष छाया, तानिया मणिकतला और अभिषेक चौहान हैं। फिल्म किल का प्रीमियर 7 सितंबर 2023 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां यह फिल्म पीपल्स चॉइस अवार्ड मिडनाइट मैडनेस के लिए फर्स्ट रनर अप रहा। इसे June 2024 में टिब्रेका फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया कि फिल्म को 5 जुलाई 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसी आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। सेना की कमांडो अमृत राठौर को पता चलता है कि उसकी प्रेमिका तुरिका की सगाई उसकी मर्जी के खिलाफ हो गई, जहां वह शादी को रोकने के लिए एक साहसी खोज में नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है। हालांकि फानी के नेतृत्व में चाकूधारी डाकू का एक गिरोह ट्रेन में यात्रा को अंतिम करना शुरू कर देता है, जहाँ अमृत और उसका दोस्त विदेश यात्रियों को बचाने के लिए डाकू से भिड़ जाते हैं। टोरंटो में अपने प्रीमियर से एक महीने से भी कम समय पहले धर्मा पोरकसन और सिक्या एंटरटेनमेंट ने May 2023 में घोषित एक कंटेंट पार्टनरशिप के तहत पहली बार निखिल नागेश की भट्ट की दर निर्देशित फिल्म किल की घोषणा की। सुभाष के जा के साथ एक संगीतकार में निर्देशन निखिल नागेश भट्ट ने कहा कि अभिनेता को MMA कलाकारों के साथ शिक्षित किया जाना था। भट्ट ने एक संगीतकार में यह भी कहा कि किल 99.5 में उसके द्वारा अनुभव की गई एक वास्तविक जीवन की ट्रेन तो कहती से प्रेरित थी। गीत निकट को रेखा भरदार ने गाया और गाने का संगीत हारून गोविन ने बनाया और गीत सिद्धार्थ कौशल की द्वारा लिखे गए जाकू राखी साइया विक्रम मैंटूस की द्वारा रचित और शेखर तत्व की द्वारा लिखित है। किल का प्रीमियर 7 सितंबर 2023 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मिडनाइट मैडनेस टैक्स में हुआ। फिल्म 5 जुलाई 2024 को भारत में एक नाटकीय रिलीज है। October 2023 में लायस गेट ने उत्तरी अमेरिकी और यूनाइटेड किंगडम के लिए वितरण अधिकार हासिल कर लिए, जो कि हॉलीवुड स्टूडियो की तरह संयुक्त रहे अमेरिका में सीधे रिलीज करने के लिए हिंदी भाषा की फिल्म हासिल करने का पहला उदाहरण था।
फिल्म को उत्तरी अमेरिका में 20 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज किया गया। लाइसियट ने रोड साइड और टी क्रोसन के साथ मिलकर बाद में भारत में रिलीज होने से एक दिन पहले 4 जुलाई 2024 को संयुक्त अमेरिका में एक नाटकीय रिलीज के लिए फिल्म को शेड्यूल किया। बी डिस्ट्रीब्यूशन 5 सितंबर 2024 को अर्जेंटीना थिएटर का रिलीज के लिए फिल्म को रिलीज करने के लिए तैयार है। पेरिस फिल्म 9 सितंबर 2024 को ब्राज़ील का सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज करेगी। पैराडाइव ग्रुप ने 25 जुलाई 2024 को रूसी सिनेमाघरों में के नाम से फिल्म को रिलीज करने के लिए वितरण अधिकार हासिल किए। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रटन टोमेटोज पर 91 आलोचकों की 90 समीक्षाएं सकारात्मक, जिनकी औसत रेटिंग 7/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है कि एक आतंक रोमांचकारी सवारी कोई कच्ची भावनात्मक दाव पर आधारित है, कि एक ऐसा सैंडविच पेश करती है जिससे एक्शन प्रशंसक खुशी खुशी खाएंगे। मेटाक्रिटिक ने 80 आलोचकों के आधार पर आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं का हवाला देती हुई 100 में से 74 के स्कोर के साथ फिल्म को रेट किया। इंडिया टुडे की जीनिया बदोपाध्याय ने फिल्म को 4.55 स्टार दी और लिखा, यह एक्शन और अन्य सभी प्रशंसकों के लिए देखने लायक है। Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने 4.5 स्टार दी और कहा, हिस्सा के बारे में एक अति हिंसक फिल्म की किल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ इसकी मृत्यु संख्या नहीं है बल्कि हिस्सा के बारे में हमारी धारणा को चुनौती देना है। बॉलीवुड हंगामा ने 3.55 दिए और लिखा, कुल मिलाकर के किल एक हिंसक और स्टाइलिश एक्शन एंटरटेनर। NDTV के साइबल चटर्जी ने 3.55 स्टार दिए और कहा कि किल में एक नैतिक दिशा निर्देश है जो सामने आने वाली युद्ध के लिए एक स्पष्ट सरदर्द है। पिंक व्हीलर की सिरिस्टिल जुगानी ने 3.55 स्टार दिए और लिखा, एक सघन कथानक और अधिक भयानक। प्रीति पक्षी के साथ किल एक फिल्म के रूप में और भी बेहतर काम कर सकती थी। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभा गुप्ता ने कहा कि किल एक दुबली पतली मतलबी हत्या मशीन है। द हिंदू की शिलाजीत मित्रा ने लक्ष्य के अभिनय की प्रशंसा की और कहा, लक्ष्य जिसे हिंदी सिनेमा की नई हत्या मशीन के रूप में अत्यधिक प्रचारित किया जा रहा है, पसीने से तर मजबूत और खौलता हुआ है। युवा अभिनेता टाइगर साफ या विरु जामवाल की एट लेडी कटा को नकराता है, इसके बजाय आधी केंद्रित संघर्षपूर्ण लड़ाई शैली को विकल्प चुनता है। मीन की उदय भाटिया ने कहा कि किल वास्तव में एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म नहीं, इसमें कोई स्लो मो नहीं है, कोई रिलीज नहीं, कोई सांस लेने की जगह नहीं। स्क्रॉल इन की नंदिनी रामनाथ ने टिप्पणी की, फिल्म का सबसे यादगार दृश्य इस सीधे हॉरर क्षेत्र में ले जाता है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के कार्तिक भरदार ने 4.5 स्टार दिए और लिखा, यह अपनी खुद की कहानी बुनता है। हाथापाई और उड़ते हुए किक पहले आते फिल्म की किल को अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों से प्रशंसा मिली। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की किम न्यूमैन ने कहा, पहला भाग बिल्कुल धीमा नहीं है लेकिन वास्तविक कार्रवाई शुरू होने से पहले बुनियादी संघर्षों को स्थापित करना शुरू होगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स की जीनेट की कैट स्टाइलिस्ट ने फिल्म को आर रेटिंग दी और लिखा, आधी खत्म हेर फेर एक परेशान करने वाली हत्या लगभग अश्लील रूप से लंबी है। फिल्म चकदार रूप से प्रभावशाली और डरनी रूप से क्रूर है। द गार्जियन की कैथरीन ब्रे ने कहा कि किल की उचेसी को एक ऐसी ऊर्जा और उत्साह के साथ हासिल किया गया जो इसे एक्शन सिनेमा एक स्वारिश टुकड़ा बनाता है जो अपनी मुक्कों को नहीं खींचता या उंगलियों को चटकाने वाला अच्छा है। द टाइम्स की केविन महर ने कहा, कथानक दर्दनाक रूप से सत्य और अमृत नामक एक घातक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कमांडो को रखता है। क्लाइडर की नेट रीचर ने फिल्म को बी रेटिंग दी और लिखा, निखिल नागेश भट्ट की आक्रामक रूप से हिंसक एक्शन फिल्म एक पंथ क्लासिक बनने के लिए कस किस्मत में है। वैरायटी की पीटर ट्रिब्रुज ने लिखा, देश में अब तक बनी सबसे क्रूर फिल्म किल एक चौंकने वाली ग्राफिक एक्शन सुकेस है जो एक ऐसे उद्योग से जो आमतौर पर हिंसा को
आर्य कर्तुनी रजिस्टर में दिखाते द मर्करी न्यूज के रैन मैरियस ने कहा, करहाने वाले 50 मिनट की प्रदर्शन के बाद फिल्म उस सभी सम्मान को छोड़ देता है और एक धमाकेदार फिल्म बन जाती, जबकि लक्ष्य के हमारे अगले बड़े एक्शन स्टार बनने के लिए एक ठोस तर्क देती है। बॉलीवुड रिपोर्टर के फ्रेक सेठ ने कहा, लड़ाई के दोस्ती बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ फिल्माए और इस्पादित किए गए, लेकिन वे अपने बिना रुके इतनी बेरहमी से चलते कि देखने का अनुभव सुरोना हो जाता है। इंडी वायर की डेविड आर्लिस ने फिल्म को बी रेटिंग दी और कहा कि अपने मुख्तपर सेंसर के साथ बहुत बहुत अच्छी तरह से काम करते, लेकिन साथ भट्ट की एक्शन असाधारण की बारे में सबसे आयोजनक बात यह है कि यह कभी भी ट्रैक से हटे बिना उम्मीदों को उलट देती है। सीजी मैगजीन को शामिल शौकी लैपटॉप ने 8/15 रेटिंग दी और लिखा कि साल की 37 एक्शन फिल्मों से एक है और एक्शन प्रशंसकों को इसे अपने रडार पर रखना चाहिए। फिल्म की मैट डोनाटो ने फिल्म को 10 में से 9 स्टार दिए। उन्होंने यह भी कहा, कोई भी आनंददायक बॉलीवुड डांस इंटरल्यूड नहीं है या आरआर नहीं है। भट्ट की शानदार क्रू फिल्म में द नाइट क्रॉम्स फार अस या द रेड जैसे कि इंडोनेशियाई बदमाशी से ज़्यादा संबंध है, जो चाकू की घाव से खून की नदी की तरह बहने वाली खतरनाक हिंसा को बढ़ाती है। स्लेट मैगजीन की राय की मैक इंडो ने फिल्म और हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हिंदी मूवी की भाषा में। तो दोस्तों अगर आप लगुनीत मोगा की फैन हो और किल मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किल 22/3 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो निखिल गणेश भट्ट की तरह लिखित और निर्देशित है और करण जौहर, गुनीत मोगा, अपरू मेहता और अचिन जैन की तरह निर्मित है। फिल्म में नवोदित लक्ष्य के साथ राघव जियाल, आशीष विद्यार्थी, हर्ष छाया, तानिया मणिकतला और अभिषेक चौहान हैं। फिल्म किल का प्रीमियर 7 सितंबर 2023 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां यह फिल्म पीपल्स चॉइस अवार्ड मिडनाइट मैडनेस के लिए फर्स्ट रनर अप रहा। इसे जून 2024 में ट्रिब्रेका फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया कि फिल्म को 5 जुलाई 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसी आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। सेना की कमांडो अमृत राठौर को पता चलता है कि उसकी प्रेमिका तुरिका की सगाई उसकी मर्जी के खिलाफ हो गई, जहां वह शादी को रोकने के लिए एक साहसी खोज में नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है। हालांकि फानी के नेतृत्व में चाकूधारी डाकू का एक गिरोह ट्रेन में यात्रा को अंतिम करना शुरू कर देता है, जहाँ अमृत और उसका दोस्त विदेश यात्रियों को बचाने के लिए डाकू से भिड़ जाते हैं। टोरंटो में अपनी प्रेमिया से एक महीने से भी कम समय पहले धर्मा पोरकसन और सिखिया एंटरटेनमेंट ने मई 2023 में घोषित एक कंटेंट पार्टनरशिप के तहत पहली बार निखिल नागेश की भट्ट की दर निर्देशित फिल्म किल की घोषणा की। सुभाष केजा के साथ एक संगीतकार में निर्देशन निखिल नागेश भट्ट ने कहा कि अभिनेता को MMA कलाकारों के साथ प्रेक्षित किया जाना था। भट्ट ने एक संगीतकार में यह भी कहा कि किल 99.5 में उसकी द्वारा अनुभव की गई एक वास्तविक जीवन की ट्रेन टुकड़ी से प्रेरित थी। गीत निकट को रेखा भरदार ने गाया और गाने का संगीत हारून गोविंद ने बनाया और गीत सिद्धार्थ कौशल की द्वारा लिखे गए जाकू राकेश आइया विक्रम मैंटूस की द्वारा रचित और शेखर ऋषि तैतूर की द्वारा लिखित है। किल का प्रीमियर 7 सितंबर 2023 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मिडनाइट मैडनेस एक्स में हुआ। फिल्म 5 जुलाई 2024 को भारत में एक नाटकीय रिलीज है।
अक्टूबर 2023 में लाइस गेट ने उत्तरी अमेरिकी और यूनाइटेड किंगडम के लिए वितरण अधिकार हासिल कर लिए, जो कि हॉलीवुड स्टूडियो की तरह संयुक्त अमेरिका में सीधे रिलीज करने के लिए हिंदी भाषा की फिल्म हासिल करने का पहला उदाहरण था। फिल्म को उत्तरी अमेरिका में 20 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज किया गया। लाइसगेट ने रोड साइड और टी क्रॉसन के साथ मिलकर बाद में भारत में रिलीज होने से एक दिन पहले 4 जुलाई 2024 को संयुक्त अमेरिका में एक नाटकीय रिलीज के लिए फिल्म को शेड्यूल किया। बी डिस्ट्रीब्यूशन 5 सितंबर 2024 को अर्जेंटीना थिएटर का रिलीज के लिए फिल्म को रिलीज करने के लिए तैयार है। पेरिस प्रिंट 9 सितंबर 2024 को ब्राज़ील का सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज करेगी। पैराडाइव ग्रुप ने 25 जुलाई 2024 को रूसी सिनेमाघरों में के नाम से फिल्म को रिलीज करने के लिए वितरण अधिकार हासिल किए। समीक्षा एक दी ग्रेटर वेबसाइट रिटर्न टोमाटोज पर 91 आलोचकों की 90 समीक्षाएं सकारात्मक, जिनकी औसत रेटिंग 7/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है कि एक आतंक रोमांचकारी सवारी कोई कच्ची भावनात्मक दाव पर आधारित है कि एक ऐसा सैंडविच पेश करती है जिसे एक्शन प्रशंसक खुशी खुशी खाएंगे। मेटाक्रिटिक ने 80 आलोचकों के आधार पर आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं का हवाला देती हुई 100 में से 74 के स्कोर के साथ फिल्म को रेट किया। इंडिया टुडे की जीनिया बदोपाध्याय ने फिल्म को 4.5 स्टार दी और लिखा, यह एक्शन और अन्य सभी प्रशंसकों के लिए देखने लायक है। Reddit.com की सुकन्या वर्मा ने 4.5 स्टार दी और कहा, हिस्सा के बारे में एक अति हिंसक फिल्म की किल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ इसकी मृत्यु संख्या नहीं है बल्कि हिस्सा के बारे में हमारी धारणा को चुनौती देना है। बॉलीवुड हंगामा ने 3.55 दिए और लिखा, कुल मिलाकर के किल एक हिंसक और स्टाइलिश एक्शन एंटरटेनर। NDTV के साइबल चटर्जी ने 3.55 स्टार दिए और कहा कि किल में एक नैतिक दिशा निर्देश है जो सामने आने वाली युद्ध के लिए एक स्पष्ट दर्शक है। पिंक व्हीलर की सिरिस्टिल जुगानी ने 3.55 स्टार दिए और लिखा, एक सघन कथानक और अधिक भयानक। प्रीति पक्षी के साथ किल एक फिल्म के रूप में और भी बेहतर काम कर सकती थी। द इंडियन एक्सप्रेस की सुबह गुप्ता ने कहा कि किल एक दुबली पतली मतलबी हत्या मशीन है। द हिंदू की शिलाजीत मित्रा ने लक्ष्य के अभिनय की प्रशंसा की और कहा, लक्ष्य जिसे हिंदी सिनेमा की नई हत्या मशीन के रूप में अत्यधिक प्रचारित किया जा रहा है, पसीने से तर मजबूत और खौलता हुआ है। युवा अभिनेता टाइगर साफ या विरु जामवाल की एट लेडी कटा को नकराता है। इसके बजाय आदि केंद्रित संघर्षपूर्ण लड़ाई शैली को विकल्प चुनता है। मीन की उदय भाटिया ने कहा कि किल वास्तव में एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म नहीं, इसमें कोई स्लो मो नहीं है, कोई रिलीज नहीं, कोई सांस लेने की जगह नहीं। स्क्रॉल इन की नंदिनी रामनाथ ने टिप्पणी की, फिल्म का सबसे यादगार दृश्य इस सीधे हॉरर क्षेत्र में ले जाता है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के कार्तिक भरदार ने 4.5 स्टार दिए और लिखा, यह अपनी खुद की कहानी बुनता है। हाथापाई और उड़ते हुए किक पहले आते। फिल्म की किल को अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों से प्रशंसा मिली। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की किम न्यूमैन ने कहा, पहला भाग बिल्कुल धीमा नहीं है लेकिन वास्तविक कार्रवाई शुरू होने से पहले बुनियादी संघर्षों को स्थापित करना शुरू होगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स की जीनेट की कैट स्टाइलिस ने फिल्म को आर रेटिंग दी और लिखा, आधी खत्म हेर फेर एक परेशान करने वाली हत्या लगभग अश्लील रूप से लंबी है। फिल्म चकदार रूप से प्रभावशाली और डरनी रूप से क्रू है। द गर्जियन की कैथरीन ने ब्रे ने कहा कि किल की उच्चस्तरीय को एक ऐसी ऊर्जा और उत्साह के साथ हासिल किया गया जो इसे एक्शन सिनेमा एक स्वारिश टुकड़ा बनाता है जो अपनी मुक्कों को नहीं खींचता या उंगलियों को चटकाने वाला अच्छा है। द टाइम्स की केविन महर ने कहा, कथानक दर्दनाक रूप से सती और अमृत नामक एक घातक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कमांडो को रखता है।
कोलाइडर के नेट रिचर ने फिल्म को बी रेटिंग दी और लिखा, निखिल नरेश भट्ट की आक्रामक रूप से हिंसक एक्शन फिल्म एक पंथ क्लासिक बनने के लिए कस किस्मत में है। वैरायटी की पीटर ट्रिब्यूज ने लिखा, देश में अब तक बनी सबसे क्रूर फिल्म किल एक चौंकने वाली ग्राफिक एक्शन शोकेस है जो एक ऐसे उरूज से जो आमतौर पर हिंसा को आदि कर्तूनी रजिस्टर में दिखाता है। द मर्करी न्यूज के रैन मैरियस ने कहा, करहाने वाले 50 मिनट की प्रदर्शन के बाद फिल्म उस सभी सम्मान को छोड़ देता है और एक धमाकेदार फिल्म बन जाती है। जबकि लक्ष्य की हमारे अगले बड़े एक्शन स्टार बनने के लिए एक ठोस तर्क देती है। बॉलीवुड रिपोर्टर के फ्रेक शेख ने कहा, लड़ाई के दृश्य बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ फिल्माए और इस्पादित किए गए, लेकिन वे अपने बिना रुके इतनी बेरहमी से चलते कि देखने का अनुभव सुरोना हो जाता है। इंडी वायर की डेविड आर्लिस ने फिल्म को बी रेटिंग दी और कहा कि अपनी मुक्तप्रोल सेंसर के साथ बहुत बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन साथ भट्ट की एक्शन असाधारण के बारे में सबसे आयोजनक बात यह है कि यह कभी भी ट्रैक से हटे बिना उम्मीदों को उलट देती है। सीजी मैगजीन को शामिल शौकी लैपटॉप ने 8/15 रेटिंग दी और लिखा कि साल की सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्मों से एक है और एक्शन प्रशंसकों को इसे अपने रडार पर रखना चाहिए। फिल्म की मैट डोनाटो ने फिल्म को 10 में से 9 स्टार दिए। उन्होंने यह भी कहा, कोई भी आनंददायक बॉलीवुड डांस इंटरल्यूड नहीं है, यह RR नहीं है। भट्ट की शानदार क्रू फिल्म में द नाइट क्रॉम्स फार अस या द रेड जैसे कि इंडोनेशियाई बदमाशी से ज़्यादा समंदर जो चाकू की घाव से खून की नदी की तरह बहने वाली खतरनाक हिंसा को बढ़ाती है। स्लेट मैगजीन की राय की मैक इंडो ने फिल्म और हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हिंदी मूवी की भाषा में। तो दोस्तों अगर आप गुनीत मोगा की फैन हो और किल मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किल 22/3 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो निखिल गणेश भट्ट की द्वारा लिखित और निर्देशित है और करण जौहर, गुनीत मोगा, अपरू मेहता और अचिन जैन की द्वारा निर्मित है। फिल्म में नवोदित लक्ष्य के साथ राघव जियाल, आशीष विद्यार्थी, हर्ष छाया, तानिया मणिकतला और अभिषेक चौहान हैं। फिल्म किल का प्रीमियर 7 सितंबर 2023 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां यह फिल्म पीपल्स चॉइस अवार्ड मिडनाइट मैडनेस के लिए फर्स्ट रनर अप रहा। इसे June 2024 में ट्रिब्रेका फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया कि फिल्म को 5 जुलाई 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। सेना की कमांडो अमृत राठौर को पता चलता है कि उसकी प्रेमिका तुरिका की सगाई उसकी मर्जी के खिलाफ हो गई, जहां वह शादी को रोकने के लिए एक साहसी खोज में नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है। हालांकि फानी के नेतृत्व में चाकूधारी डाकू का एक गिरोह ट्रेन में यात्रा को अंतिम करना शुरू कर देता है, जहाँ अमृत और उसका दोस्त विदेश यात्रियों को बचाने के लिए डाकू से भिड़ जाते हैं। टोरंटो में अपनी प्रेमिया से एक महीने से भी कम समय पहले धर्मा पोरकसन और सिखिया एंटरटेनमेंट ने May 2023 में घोषित एक कंटेंट पार्टनरशिप के तहत पहली बार निखिल नागेश की भट्ट की दर निर्देशित फिल्म किल की घोषणा की। सुभाष की जा के साथ एक संगीतकार में निर्देशन निखिल नागेश भट्ट ने कहा कि अभिनेता को MMA कलाकारों के साथ शिक्षित किया जाना था। भट्ट ने एक संगीतकार में यह भी कहा कि किल 99.5 में उसके द्वारा अनुभव की गई एक वास्तविक जीवन की ट्रेन टकेटी से प्रेरित थी। गीत निकट को रेखा भरदार ने गाया और गाने का संगीत हारून गोविंद ने बनाया और गीत सिद्धार्थ कौशल की द्वारा लिखे गए जाकू राखी साइया विक्रम मैंटूस की द्वारा रचित और शेखर रचित तत्व की द्वारा लिखित है।
गिल का प्रीमियर सीजन सितंबर 22/3 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मिडनाइट मैडनेस टैक्स में हुआ। फिल्म 5 जुलाई 2024 को भारत में एक नाटकीय रिलीजिंग अक्टूबर 22/3 में लायंस गेट ने उत्तरी अमेरिकी और यूनाइटेड किंगडम के लिए वितरण अधिकार हासिल कर लिए, जो कि हॉलीवुड स्टूडियो की तरह संयुक्त अमेरिका में सीधे रिलीज करने के लिए हिंदी भाषा की फिल्म हासिल करने का पहला उदाहरण था। फिल्म को उत्तरी अमेरिका में 20 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज किया गया। लाइसियट ने रोड साइड और टी क्रोसन के साथ मिलकर बाद में भारत में रिलीज होने से एक दिन पहले 4 जुलाई 2024 को संयुक्त अमेरिका में एक नाटकीय रिलीज के लिए फिल्म को शेड्यूल किया। बी डिस्ट्रीब्यूशन 5 सितंबर 2024 को अर्जेंटीना थिएटर रिलीज के लिए फिल्म को रिलीज करने के लिए तैयार है। पेरिस फिल्म 9 सितंबर 2024 को ब्राज़ील का सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज करेगी। पैराडाइव ग्रुप ने 25 जुलाई 2024 को रूसी सिनेमाघरों में के नाम से फिल्म को रिलीज करने के लिए वितरण अधिकार हासिल किए। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज पर 91 आलोचकों की 90 समीक्षाएं सकारात्मक, जिनकी औसत रेटिंग 7/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है कि एक आर्थिक रोमांचकारी सवारी कोई कच्ची भावनात्मक दाव पर आधारित है, कि एक ऐसा सैंडविच पेश करती है जिससे एक्शन प्रशंसक खुशी खुशी खाएंगे। मेटाक्रिटिक ने 80 आलोचकों के आधार पर आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं का हवाला देती हुई 100 में से 74 के स्कोर के साथ फिल्म को रेट किया। इंडिया टुडे की जीनिया बधोपाध्याय ने फिल्म को 4.55 स्टार दिए और लिखा, यह एक्शन और अन्य सभी प्रशंसकों के लिए देखने लायक है। Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने 4.5 स्टार दी और कहा, हिस्सा के बारे में एक अति हिंसक फिल्म की किल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ इसकी मृत्यु संख्या नहीं है, बल्कि हिस्सा के बारे में हमारी धारणा को चुनौती देना है। बॉलीवुड हंगामा ने 3.55 दिए और लिखा, कुल मिलाकर के किल एक हिंसक और स्टाइलिश एक्शन एंटरटेनर। NDTV के साइबल चटर्जी ने 3.55 स्टार दिए और कहा कि किल में एक नैतिक दिशा निर्देश है जो सामने आने वाली युद्ध के लिए एक स्पष्ट सरदर्द है। पिंक व्हीलर की स्थिर जुगानी ने 3.55 स्टार दिए और लिखा, एक सघन कथानक और अधिक भयानक। प्रीति पक्षी के साथ किल एक फिल्म के रूप में और भी बेहतर काम कर सकती थी। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभा गुप्ता ने कहा कि किल एक दुबली पतली मतलबी हत्या मशीन है। द हिंदू की शिलाजीत मित्रा ने लक्ष्य के अभिनय की प्रशंसा की और कहा, लक्ष्य जिसे हिंदी सिनेमा की नई हत्या मशीन के रूप में अत्याधिक प्रचारित किया जा रहा है, पसीने से तर मजबूत और खौलता हुआ है। युवा अभिनेता टाइगर साफ या विरु जामवाल की एट लेडी कटा को नकराता है, इसके बजाय आधी केंद्रित संघर्षपूर्ण लड़ाई शैली को विकल्प चुनता है। मीन की उदय भाटिया ने कहा कि किल वास्तव में एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म नहीं, इसमें कोई स्लो मो नहीं है, कोई रिलीज नहीं, कोई सांस लेने की जगह नहीं। स्क्रॉल इन की नंदिनी रामनाथ ने टिप्पणी की, फिल्म का सबसे यादगार दृश्य इस सीधे हॉरर क्षेत्र में ले जाता है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के कार्तिक भरदार ने 4.5 स्टार दिए और लिखा, यह अपनी खुद की कहानी बुनता है। हाथापाई और उड़ते हुए किक पहले आते फिल्म की किल को अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों से प्रशंसा मिली। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की किम न्यूमैन ने कहा, पहला भाग बिल्कुल धीमा नहीं है, लेकिन वास्तविक कार्रवाई शुरू होने से पहले बुनियादी संघर्षों को स्थापित करना शुरू होगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स की जीनेट की कैट स्टाइलिस ने फिल्म को आर रेटिंग दी और लिखा, आधी खत्म हेर फेर एक परेशान करने वाली हत्या लगभग अश्लील रूप से लंबी है। फिल्म चकदार रूप से प्रभावशाली और डरनी रूप से क्रू है। द गार्जियन की कैथरीन ब्रे ने कहा कि किल की उचित स्थिति को एक ऐसी ऊर्जा और उत्साह के साथ हासिल किया गया जो इसे एक्शन सिनेमा एक
स्वारिस टुकड़ा बनाता है जो अपनी मुक्कों को नहीं खींचता या उंगलियों को चटकाने वाला अच्छा है। द टाइम्स की केविन महर ने कहा, कथानक दर्दनाक रूप से सती और अमृत नामक एक घातक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कमांडो को रखता है। क्लाइडर की नेट रीचर ने फिल्म को बी रेटिंग दी और लिखा, निखिल नगेश भट्ट की आक्रामक रूप से हिंसक एक्शन फिल्म एक पंथ क्लासिक बनने के लिए कस किस्मत में है। वैरायटी की पीटर ट्रिब्रुज ने लिखा, देश में अब तक बनी सबसे क्रूर फिल्म किल एक चौंकने वाली ग्राफिक एक्शन सुकेश है जो एक ऐसे उद्योग से जो आमतौर पर हिंसक को आरी कर्तूनी रजिस्टर में दिखाता है। द मर्करी न्यूज के रैन मैरिस ने कहा, करहाने वाले 50 मिनट की प्रदर्शन के बाद फिल्म उस सभी सम्मान को छोड़ देता है और एक धमाकेदार फिल्म बन जाती है। जबकि लक्ष्य के हमारे अगले बड़े एक्शन स्टार बनने के लिए एक ठोस तर्क देती है। बॉलीवुड रिपोर्टर के फ्रेक शेख ने कहा, लड़ाई के दृश्य बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ फिल्माए और इस्पादित किए गए, लेकिन वे अपने बिना रुके इतनी बेरहमी से चलते कि देखने का अनुभव सुरोना हो जाता है। इंडी वायर की डेविड आर्लिस ने फिल्म को बी रेटिंग दी और कहा कि अपने मुक्तप्रोल सेंसर के साथ बहुत बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन साथ भट्ट की एक्शन असाधारण के बारे में सबसे आयोजनक बात यह है कि यह कभी भी ट्रैक से हटे बिना उम्मीदों को उलट देती है। सीजी मैगजीन को शामिल शौकी लैपटॉप ने 8/15 रेटिंग दी और लिखा कि साल की 37 एक्शन फिल्मों से एक है और एक्शन प्रशंसकों को इसे अपने रडार पर रखना चाहिए। फिल्म की मैट डोनाटो ने फिल्म को 10 में से 9 स्टार दिए। उन्होंने यह भी कहा, कोई भी आनंददायक बॉलीवुड डांस इंटरल्यूड नहीं है या RR नहीं है। भट्ट की शानदार क्रू फिल्म में द नाइट क्रॉम्स फार अस्त या द रेड जैसे कि इंडोनेशियाई बदमाशी से ज़्यादा संबंध है जो चाकू की घाव से खून की नदी की तरह बहने वाली खतरनाक हिंसा को बढ़ाती है। स्लेट मैगजीन की राय की मैक इंडो ने फिल्म और हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हिंदी मूवी की भाषा में। तो दोस्तों अगर आप लगुनीत मोगा की फैन हो और किल मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किल 22/3 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो निखिल गणेश भट्ट की द्वारा लिखित और निर्देशित है और करण जौहर, गुनीत मोगा, अपरू मेहता और अचिन जैन की द्वारा निर्मित है। फिल्म में नवोदित लक्ष्य के साथ राघव जियाल, आशीष विद्यार्थी, हर्ष छाया, तानिया मणिकतला और अभिषेक चौहान हैं। फिल्म किल का प्रीमियर 7 सितंबर 2023 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां यह फिल्म पीपल्स चॉइस अवार्ड मिडनाइट मैडनेस के लिए फर्स्ट रनर अप रहा। इसे June 2024 में ट्रिब्रेका फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया कि फिल्म को 5 July 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसी आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। सेना की कमांडो अमृत राठौर को पता चलता है कि उसकी प्रेमिका तुरिका की सगाई उसकी मर्जी के खिलाफ हो गई, जहां वह शादी को रोकने के लिए एक साहसी खोज में नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है। हालांकि फानी के नेतृत्व में चाकूधारी डाकू का एक गिरोह ट्रेन में यात्रा को अंतिम करना शुरू कर देता है, जहाँ अमृत और उसका दोस्त विदेश यात्रियों को बचाने के लिए डाकू से भिड़ जाते हैं। टोरंटो में अपनी प्रेमिया से एक महीने से भी कम समय पहले धर्मा पोरकसन और सिखिया एंटरटेनमेंट ने May 2023 में घोषित एक कंटेंट पार्टनरशिप के तहत पहली बार निखिल नागेश की भट्ट की दर निर्देशित फिल्म किल की घोषणा की। सुभाष केजा के साथ एक संगीतकार में निर्देशन निखिल नागेश भट्ट ने कहा कि अभिनेता को MMA कलाकारों के साथ प्रेक्षित किया जाना था। भट्ट ने एक संगीतकार में यह भी कहा कि किल 99.5 में उसकी द्वारा अनुभव की गई एक वास्तविक जीवन की
ट्रेन तो कहती से प्रीत थी। गीत निकट को रेखा भरदार ने गाया और गाने का संगीत हारून गोविंद ने बनाया और गीत सिद्धार्थ कौशल की तरह लिखे गए। जाकू राखी साइया विक्रम मैंट्रोस की तरह रचित और शेखर ऋषि तैतूर की तरह लिखी थे। किल का प्रीमियर 7 सितंबर 2023 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मिडनाइट मैडनेस टैक्स में हुआ। फिल्म 5 जुलाई 2024 को भारत में एक नाटकीय रिलीज है। अक्टूबर 2023 में लाइस गेट ने उत्तरी अमेरिकी और यूनाइटेड किंगडम के लिए वितरण अधिकार हासिल कर लिए, जो कि हॉलीवुड स्टूडियो की तरह संयुक्त रहे अमेरिका में सीधे रिलीज करने के लिए हिंदी भाषा की फिल्म हासिल करने का पहला उदाहरण था। फिल्म को उत्तरी अमेरिका में 30 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज किया गया। लाइस गेट ने रोड साइड और टी क्रॉसन के साथ मिलकर बाद में भारत में रिलीज होने से एक दिन पहले 4 जुलाई 2024 को संयुक्त रहे अमेरिका में एक नाटकीय रिलीज के लिए फिल्म को शेड्यूल किया। बी डिस्ट्रीब्यूशन 5 सितंबर 2024 को अर्जेंटीना थिएटर का रिलीज के लिए फिल्म को रिलीज करने के लिए तैयार है। पेरिस प्रिंट 9 सितंबर 2024 को ब्राज़ील का सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज करेगी। पैराडाइव ग्रुप ने 25 जुलाई 2024 को रूसी सिनेमाघरों में के नाम से फिल्म को रिलीज करने के लिए वितरण अधिकार हासिल किए। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर 91 आलोचकों की 90 समीक्षाएं सकारात्मक, जिनकी औसत रेटिंग 7/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है कि एक आतंक रोमांचकारी सवारी को कच्चे भावनात्मक दाव पर आधारित है। किल एक ऐसा सैंडविच पेश करती है जिससे एक्शन प्रशंसक खुशी खुशी खाएंगे। मेटाक्रिटिक ने 80 आलोचकों के आधार पर आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं का हवाला देती हुई 100 में से 74 के स्कोर के साथ फिल्म को रेट किया। इंडिया टुडे की जीनिया बधु पाग्याय ने फिल्म को 4.55 स्टार दी और लिखा, यह एक्शन और अन्य सभी प्रशंसकों के लिए देखने लायक है। Reddit.com की सुकन्या वर्मा ने 4.5 स्टार दी और कहा, हिस्सा के बारे में एक अति हिंसक फिल्म की किल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ इसकी मृत्यु संख्या नहीं है बल्कि हिस्सा के बारे में हमारी धारणा को चुनौती देना। बॉलीवुड हंगामा ने 3.55 दिए और लिखा, कुल मिलाकर के किल एक हिंसक और स्टाइलिश एक्शन एंटरटेनर। NDTV के साइबल चटर्जी ने 3.55 स्टार दिए और कहा कि किल में एक नैतिक दिशा निर्देश है जो सामने आने वाली युद्ध के लिए एक स्पष्ट दर्पण है। पिंक व्हीलर की सिरिस्टिल जुगानी ने 3.55 स्टार दिए और लिखा, एक सघन कथानक और अधिक भयानक। प्रीति पक्षी के साथ किल एक फिल्म के रूप में और भी बेहतर काम कर सकती थी। द इंडियन एक्सप्रेस की सुबह गुप्ता ने कहा कि किल एक दुबली पतली मतलबी हत्या मशीन है। द हिंदू की शिलाजीत मित्रा ने लक्ष्य के अभिनय की प्रशंसा की और कहा, लक्ष्य जिसे हिंदी सिनेमा की नई हत्या मशीन के रूप में अत्यधिक प्रचारित किया जा रहा है, पसीने से तर मजबूत और खौलता हुआ है। युवा अभिनेता टाइगर साफ या विरु जामवाल की एट लेडी कटा को नकराता है। इसके बजाय आदि केंद्रित संघर्षपूर्ण लड़ाई शैली को विकल्प चुनता है। मीन की उदय भाटिया ने कहा कि किल वास्तव में एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म नहीं, इसमें कोई स्लो मो नहीं है, कोई रिलीज नहीं, कोई सांस लेने की जगह नहीं। स्क्रॉल इन की नंदिनी रामनाथ ने टिप्पणी की, फिल्म का सबसे यादगार दृश्य इस सीधे हॉरर क्षेत्र में ले जाता है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के कार्तिक भरदार ने 4.5 स्टार दिए और लिखा, यह अपनी खुद की कहानी बुनता है। हाथापाई और उड़ते हुए किक पहले आते। फिल्म की किल को अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों से प्रशंसा मिली। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की किम न्यूमैन ने कहा, पहला भाग बिल्कुल धीमा नहीं है लेकिन वास्तविक कार्रवाई शुरू होने से पहले बुनियादी संघर्षों को स्थापित करना शुरू होगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स की जीनेट की कैट स्टाइलिस्ट ने फिल्म को आर रेटिंग दी और लिखा, आधी खत्म हेर फेर एक परेशान करने वाली हत्या लगभग अश्लील रूप
कपूर से लंबी है। फिल्म चकदार रूप से प्रभावशाली और डरनी रूप से क्रू है। द गर्जियन की कैथरीन ने प्रे ने कहा कि किल की उचेसे को एक ऐसी ऊर्जा और उत्साह के साथ हासिल किया गया जो इसे एक्शन सिनेमा एक स्वारिश टुकड़ा बनाता है जो अपने मुक्कों को नहीं खींचता या उंगलियों को चटकाने वाला अच्छा है। द टाइम्स की केविन महर ने कहा कथानक दर्दनाक रूप से सत्य और अमृत नामक एक घातक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कमांडो को रखता है। क्लाइडर के नेट रीचर ने फिल्म को बी रेटिंग दी और लिखा निखिल नागेश भट्ट की आक्रामक रूप से हिंसक एक्शन फिल्म एक पंथ क्लासिक बनने के लिए किस्मत में है। वैरायटी की पीटर ट्रिब्रुज ने लिखा देश में अब तक बनी सबसे क्रूर फिल्म किल एक चौंकने वाली ग्राफिक एक्शन सुकेश है जो एक ऐसे उर्दू से जो आमतौर पर हिंसा को आदि कर्तूनी रजिस्टर में दिखाता है। द मर्करी न्यूज के रैन मैरियस ने कहा करहाने वाले 50 मिनट की प्रदर्शन के बाद फिल्म उस सभी सम्मान को छोड़ देता है और एक धमाकेदार फिल्म बन जाती है जबकि लक्ष्य की हमारे अगले बड़े एक्शन स्टार बनने के लिए एक ठोस तर्क देती है। बॉलीवुड रिपोर्टर के फ्रेक शेख ने कहा लड़ाई के दृश्य बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ फिल्माए और इस्पादित किए गए लेकिन वे अपने बिना रुके इतनी बेरहमी से चलते कि देखने का अनुभव सुरोना हो जाता है। इंडी वायर की डेविड आर्लिस ने फिल्म को बी रेटिंग दी और कहा कि अपने मुक्तप्रोल सेंसर के साथ बहुत बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं लेकिन साथ भट्ट की एक्शन असाधारणा के बारे में सबसे आयोजनक बात यह है कि यह कभी भी ट्रैक से हटे बिना उम्मीदों को उलट देती है। सीजी मैगजीन को शामिल सौकी लैपटॉप ने 8/15 रेटिंग दी और लिखा कि साल की सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्मों से एक है और एक्शन प्रशंसकों को इसे अपने रडार पर रखना चाहिए। फिल्म की मैट डोनाटो ने फिल्म को 10 में से 9 स्टार दिए। उन्होंने यह भी कहा कोई भी आनंददायक बॉलीवुड डांस इंटरल्यूड नहीं है या RR नहीं है। भट्ट की शानदार क्रू फिल्म में द नाइट क्रॉम्स फार अस या द रेड जैसे कि इंडोनेशियाई बदमाशी से ज़्यादा संबंध है जो चाकू की घाव से खून की नदी की तरह बहने वाली खतरनाक हिंसा को बढ़ाती है। स्लेट मैगजीन की राय की मैक इंडो ने फिल्म और हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हिंदी मूवी की भाषा में। तो दोस्तों अगर आप गुनीत मोगा की फैन हो और किल मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किल 22/3 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो निखिल गणेश भट्ट की द्वारा लिखित और निर्देशित है और करण जौहर गुनीत मोगा अपरू मेहता और अचिन जैन की द्वारा निर्मित है। फिल्म में नवोदित लक्ष्य के साथ राघव जियाल आशीष विद्यार्थी हर्ष छाया तानिया मानी कतला और अभिषेक चौहान हैं। फिल्म किल का प्रीमियर 7 सितंबर 2023 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ जहाँ यह फिल्म पीपल्स चॉइस अवार्ड मिडनाइट मैडनेस के लिए फर्स्ट रनर अप रहा। इसे June 2024 में ट्रिब्रेका फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया कि फिल्म को 5 जुलाई 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसी आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। सेना की कमांडो अमृत राठौर को पता चलता है कि उसकी प्रेमिका तुरिका की सगाई उसकी मर्जी के खिलाफ हो गई जहां वह शादी को रोकने के लिए एक साहसी खोज में नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है। हालांकि फानी के नेतृत्व में चाकूधारी डाकू का एक गिरोह ट्रेन में यात्रा को अंतिम करना शुरू कर देता है जहाँ अमृत और उसका दोस्त विदेश यात्रियों को बचाने के लिए डाकू से भिड़ जाते हैं। टोरंटो में अपने प्रेमिया से एक महीने से भी कम समय पहले धर्मा पोरकसन और सिखिया एंटरटेनमेंट ने May 2023 में घोषित एक कंटेंट पार्टनरशिप के तहत पहली बार निखिल नागेश की भट्ट की दर निर्देशित फिल्म किल की घोषणा की। सुभाष के जा के साथ
एक संजत कार्मी निर्देशन निखिल नगेश भट्ट ने कहा कि अभिनेता को MMA कलाकारों के साथ शिक्षित किया जाना था। भट्ट ने एक संजत कार्मी यह भी कहा कि किल 99.5 में उसकी द्वारा अनुभव की गई एक वास्तविक जीवन की ट्रेन तो कहती से प्रेरित थी। गीत निकट को रेखा भरदार ने गाया और गाने का संगीत हारून गोविंद ने बनाया और गीत सिद्धार्थ कौशल की द्वारा लिखे गए जाकू राखी साइया विक्रम मैंटूस की द्वारा रचित और शेखर अस्सी तैतूर की द्वारा लिखित है। किल का प्रीमियर 7 सितंबर 2023 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मिडनाइट मैडनेस टैक्स में हुआ। फिल्म 5 जुलाई 2024 को भारत में एक नाटकीय रिलीज है। अक्टूबर 2023 में लायंस गेट ने उत्तरी अमेरिकी और यूनाइटेड किंगडम के लिए वितरण अधिकार हासिल कर लिए जो कि हॉलीवुड स्टूडियो की तरह संयुक्त रहे अमेरिका में सीधे रिलीज करने के लिए हिंदी भाषा की फिल्म हासिल करने का पहला उदाहरण था। फिल्म को उत्तरी अमेरिका में 20 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज किया गया। लाइसियट ने रोड साइड और टी क्रोसन के साथ मिलकर बाद में भारत में रिलीज होने से एक दिन पहले 4 जुलाई 2024 को संयुक्त अमेरिका में एक नाटकीय रिलीज के लिए फिल्म को शेड्यूल किया। बी डिस्ट्रीब्यूशन 5 सितंबर 2024 को अर्जेंटीना थिएटर रिलीज के लिए फिल्म को रिलीज करने के लिए तैयार है। पेरिस फिल्म 9 सितंबर 2024 को ब्राज़ील का सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज करेगी। पैराडाइव ग्रुप ने 25 जुलाई 2024 को रूसी सिनेमाघरों में के नाम से फिल्म को रिलीज करने के लिए वितरण अधिकार हासिल किए। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रटन टोमेटोज पर 91 आलोचकों की 90 समीक्षाएं सकारात्मक जिनकी औसत रेटिंग 7/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है कि एक आतंक रोमांचकारी सवारी कोई कच्चे भावनात्मक दाव पर आधारित है। किल एक ऐसा सैंडविच पेश करती है जिससे एक्शन प्रशंसक खुशी खुशी खाएंगे। मेटाक्रिटिक ने 80 आलोचकों के आधार पर आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं का हवाला देती हुई 100 में से 74 के स्कोर के साथ फिल्म को रेट किया। इंडिया टुडे की जीनिया बधु पाकिया ने फिल्म को 4.55 स्टार दी और लिखा यह एक्शन और अन्य सभी प्रशंसकों के लिए देखने लायक है। Reddit.com की सुकन्या वर्मा ने 4.5 स्टार दी और कहा हिस्सा के बारे में एक अति हिंसक फिल्म की किल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ इसकी मृत्यु संख्या नहीं है बल्कि हिस्सा के बारे में हमारी धारणा को चुनौती देना है। बॉलीवुड हंगामा ने 3.55 दिए और लिखा कुल मिलाकर के किल एक हिंसक और स्टाइलिश एक्शन एंटरटेनर। NDTV के साइबल चटर्जी ने 3.55 स्टार दिए और कहा कि किल में एक नैतिक दिशा निर्देश है जो सामने आने वाली युद्ध के लिए एक स्पष्ट सरदर्द है। पिंक व्हीलर की सिरिस्टिल जुगानी ने 3.55 स्टार दिए और लिखा एक सघन कथानक और अधिक भयानक। प्रीति पक्षी के साथ किल एक फिल्म के रूप में और भी बेहतर काम कर सकती थी। द इंडियन एक्सप्रेस की सुबह गुप्ता ने कहा कि किल एक दुबली पतली मतलबी हत्या मशीन है। द हिंदू की शिलाजीत मित्रा ने लक्ष्य के अभिनय की प्रशंसा की और कहा लक्ष्य जिसे हिंदी सिनेमा की नई हत्या मशीन के रूप में अत्यधिक प्रचारित किया जा रहा है पसीने से तर मजबूत और खौलता हुआ है। युवा अभिनेता टाइगर साफ या विरु जामवाल की एट लेडी कटा को नकराता है इसके बजाय आधी केंद्रित संघर्षपूर्ण लड़ाई शैली को विकल्प चुनता है। मीन की उदय भाटिया ने कहा कि किल वास्तव में एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म नहीं है। इसमें कोई स्लो मो नहीं है कोई लीज नहीं कोई सांस लेने की जगह नहीं। स्क्रॉल इन की नंदिनी रामनाथ ने टिप्पणी की फिल्म का सबसे यादगार दृश्य इसे सीधे हॉरर क्षेत्र में ले जाता है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के
कार्तिक भरदार ने 4-5 स्टार दिए और लिखा, यह अपनी खुद की कहानी बुनता है। हाथापाई और उड़ते हुए किक पहले आते फिल्म की किल को अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों से प्रशंसा मिली। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के किम न्यूमैन ने कहा, पहला भाग बिल्कुल धीमा नहीं है, लेकिन वास्तविक कार्रवाई शुरू होने से पहले बुनियादी संघर्षों को स्थापित करना शुरू होगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स की जीनेट की कैट स्टाइलिस ने फिल्म को आर रेटिंग दी और लिखा, आधी खत्म हेर फेर एक परेशान करने वाली हत्या लगभग अश्लील रूप से लंबी है। फिल्म चकदार रूप से प्रभावशाली और डरनी रूप से क्रू है। द गार्जियन की कैथरीन ब्रे ने कहा कि किल की उचित को एक ऐसी ऊर्जा और उत्साह के साथ हासिल किया गया जो इसे एक्शन सिनेमा एक स्वारिश टुकड़ा बनाता है जो अपनी मुक्कों को नहीं खींचता या उंगलियों को चटकाने वाला अच्छा है। द टाइम्स की केविन महर ने कहा, कथानक दर्दनाक रूप से सती है और अमृत नामक एक घातक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कमांडो को रखता है। क्लाइडर की नेट रीचर ने फिल्म को बी रेटिंग दी और लिखा, निखिल नगेश भट्ट की आक्रात्मक रूप से हिंसक एक्शन फिल्म एक पंथ क्लासिक बनने के लिए कस किस्मत में है। वैरायटी की पीटर ट्रिब्रुज ने लिखा, देश में अब तक बनी सबसे क्रूर फिल्म किल एक चौंकने वाली ग्राफिक एक्शन सुकेश है जो एक ऐसे उद्योग से जो आमतौर पर हिंसा को आधी कर्तूनी रजिस्टर में दिखाता है। द मर्करी न्यूज के रैन मैरिस ने कहा, करहाने वाले 50 मिनट की प्रदर्शन के बाद फिल्म उस सभी सम्मान को छोड़ देता है और एक धमाकेदार फिल्म बन जाती है, जबकि लक्ष्य कि हमारे अगले बड़े एक्शन स्टार बनने के लिए एक ठोस तर्क देती है। बॉलीवुड रिपोर्टर के फ्रेक सेठ ने कहा, लड़ाई के दृश्य बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ फिल्माए और स्पारित किए गए, लेकिन वे अपने बिना रुके इतनी बेरहमी से चलते कि देखने का अनुभव सुरोना हो जाता है। इंडी वायर की डेविड आर्लिस ने फिल्म को बी रेटिंग दी और कहा कि किल अपने मुख्तपर सेंसर के साथ बहुत बहुत अच्छी तरह से काम करते, लेकिन शायद भट्ट की एक्शन असाधारणता के बारे में सबसे आयोजनक बात यह है कि यह कभी भी ट्रैक से हटे बिना उम्मीदों को उलट देती है। सीजी मैगजीन को शामिल शौकी लैपटॉप ने 8/15 रेटिंग दी और लिखा, किल साल की 37 एक्शन फिल्मों से एक है और एक्शन प्रशंसकों को इसे अपने रडार पर रखना चाहिए। फिल्म की मैट डोनाटो ने फिल्म को 10 में से 9 स्टार दिए। उन्होंने यह भी कहा, कोई भी आनंददायक बॉलीवुड डांस इंटरल्यूड नहीं है, यह आरआर नहीं है। भट्ट की शानदार क्रू फिल्म में द नाइट क्रॉम्स फार अस या द रेड जैसे कि इंडोनेशियाई बदमाशी से ज़्यादा संबंध है जो चाकू की घाव से खून की नदी की तरह बहने वाली खतरनाक हिंसा को बढ़ाती है। स्लेट मैगजीन की राय की मैक इंडो ने फिल्म और हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हिंदी मूवी की भाषा में। तो दोस्तों अगर आप लगुनीत मोगा की फैन हो और किल मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किल 22/3 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो निखिल गणेश भट्ट की द्वारा लिखित और निर्देशित है और करण जौहर, गुनीत मोगा, अपरू मेहता और अचिन जैन की द्वारा निर्मित है। फिल्म में नवोदित लक्ष्य के साथ राघव जियाल, आशीष विद्यार्थी, हर्ष छाया, तानिया मणिकतला और अभिषेक चौहान हैं। फिल्म किल का प्रीमियर 7 सितंबर 2023 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां यह फिल्म पीपल्स चॉइस अवार्ड मिडनाइट मैडनेस के लिए फर्स्ट रनर अप रहा। इसे जून 2024 में ट्रिब्रेका फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया कि फिल्म को 5 जुलाई 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसी आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली।
सेना की कमांडो अमरूत राठौर को पता चलता है कि उसकी प्रेमिका तुरिका की सगाई उसकी मर्जी के खिलाफ हो गई, जहां वह शादी को रोकने के लिए एक साहसी खोज में नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है। हालांकि फानी के नेतृत्व में चाकूधारी डाकू का एक गिरोह ट्रेन में यात्रा को अंकित करना शुरू कर देता है, जहाँ अमृत और उसका दोस्त विदेश यात्रियों को बचाने के लिए डाकू से भिड़ जाते हैं। टोरंटो में अपनी प्रेमिया से एक महीने से भी कम समय पहले धर्मा कोरकसन और सिखिया एंटरटेनमेंट ने मई 2023 में घोषित एक कंटेंट पार्टनर स्टिक के तहत पहली बार निखिल नागेश की भट्ट के दर निर्देशित फिल्म किल की घोषणा की। सुभाष के जा के साथ एक संगीतकार में निर्देशन निखिल नागेश भट्ट ने कहा कि अभिनेता को MMA कलाकारों के साथ शिक्षित किया जाना था। भट्ट ने एक संगीतकार में यह भी कहा कि किल 99.5 में उसके द्वारा अनुभव की गई एक वास्तविक जीवन की ट्रेन तो कहती से प्रेरित थी। गीत निकट को रेखा भरदाज ने गाया और गाने का संगीत हारून गोविंद ने बनाया और गीत सिद्धार्थ कौशल की द्वारा लिखे गए जाकू राखी साइया विक्रम मैंटूस की द्वारा चीर और शेखर ऋषि तैतूर की द्वारा लिखी है। किल का प्रीमियर 7 सितंबर 2023 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मिडनाइट मैडनेस एक्स में हुआ। फिल्म 5 जुलाई 2024 को भारत में एक नाटकीय रिलीज है। अक्टूबर 2023 में लायंस गेट ने उत्तरी अमेरिकी और यूनाइटेड किंगडम के लिए वितरण अधिकार हासिल कर लिए, जो कि हॉलीवुड स्टूडियो की तरह संयुक्त अमेरिका में सीधे रिलीज करने के लिए हिंदी भाषा की फिल्म हासिल करने का पहला उदाहरण था। फिल्म को उत्तरी अमेरिका में 20 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज किया गया। लायंस गेट ने रोड साइड और टी क्रॉसन के साथ मिलकर बाद में भारत में रिलीज होने से एक दिन पहले 4 जुलाई 2024 को संयुक्त अमेरिका में एक नाटकीय रिलीज के लिए फिल्म को शेड्यूल किया। बीफ डिस्ट्रीब्यूशन 5 सितंबर 2024 को अर्जेंटीना थिएटर का रिलीज के लिए फिल्म को रिलीज करने के लिए तैयार है। पेरिस फिल्म 9 सितंबर 2024 को ब्राज़ील का सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज करेगी। पैराडाइव ग्रुप ने 25 जुलाई 2024 को रूसी सिनेमाघरों में के नाम से फिल्म को रिलीज करने के लिए वितरण अधिकार हासिल किए। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रटन टोमेटोज पर 91 आलोचकों की 90 समीक्षाएं सकारात्मक, जिनकी औसत रेटिंग 7/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है कि एक आतंक रोमांचकारी सवारी कोई कच्ची भावनात्मक दाव पर आधारित है, कि एक ऐसा सैंडविच पेश करती है जिससे एक्शन प्रशंसक खुशी खुशी खाएंगे। मेटाक्रिटिक ने 80 आलोचकों के आधार पर आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं का हवाला देती हुई 100 में से 74 के स्कोर के साथ फिल्म को रेट किया। इंडिया टुडे की जीनिया बदोपाध्याय ने फिल्म को 4.5 स्टार दी और लिखा, यह एक्शन और अन्य सभी प्रशंसकों के लिए देखने लायक है। Reddit.com की सुकन्या वर्मा ने 4.5 स्टार दी और कहा, हिस्सा के बारे में एक अति हिंसक फिल्म की किल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ इसकी मृत्यु संख्या नहीं है, बल्कि हिस्सा के बारे में हमारी धारणा को चुनौती देना है। बॉलीवुड हंगामा ने 3.55 दिए और लिखा, कुल मिलाकर के किल एक हिंसक और स्टाइलिश एक्शन एंटरटेनर। NDTV के साइबल चटर्जी ने 3.55 स्टार दिए और कहा कि किल में एक नैतिक दिशा निर्देश है जो सामने आने वाली युद्ध के लिए एक स्पष्ट दर्पण है। पिंक व्हीलर की सिरिस्टिल जुगानी ने 3.55 स्टार दिए और लिखा, एक सघन कथानक और अधिक भयानक। प्रीति पक्षी के साथ किल एक फिल्म के रूप में और भी बेहतर काम कर सकती थी। द इंडियन एक्सप्रेस की सुबह गुप्ता ने कहा कि किल एक दुबली पतली मतलबी हत्या मशीन है। द हिंदू की शिलाजीत मित्रा ने लक्ष्य के अभिनय की प्रशंसा की और कहा, लक्ष्य जिसे हिंदी सिनेमा की नई हत्या मशीन के रूप में अत्याधिक प्रचारित किया जा रहा है, पसीने से तर मजबूत और खौलता हुआ है। युवा अभिनेता टाइगर साफ या विरु जामवाल की एट लेडी कटा को नकराता है, इसके बजाय आधिक केंद्रित
संघर्ष पूर्ण लड़ाई शैली को विकल्प चुनता है। मीन की उदय भाटिया ने कहा कि किल वास्तव में एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म नहीं, इसमें कोई स्लो मो नहीं है, कोई लीज नहीं, कोई सांस लेने की जगह नहीं। इस क्राल इन की नंदिनी रामनाथ ने टिप्पणी की फिल्म का सबसे यादगार दृश्य इस सीधे हॉरर क्षेत्र में ले जाता है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के कार्तिक भरदार ने 4-5 स्टार दिए और लिखा, यह अपनी खुद की कहानी बुनता है, हाथापाई और उड़ते हुए किक पहले आते। फिल्म की किल को अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों से प्रशंसा मिली। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की किम न्यूमैन ने कहा, पहला भाग बिल्कुल धीमा नहीं है, लेकिन वास्तविक कार्रवाई शुरू होने से पहले बुनियादी संघर्षों को स्थापित करना शुरू होगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स की जीनेट की कैट स्टाइलिस्ट ने फिल्म को आर रेटिंग दी और लिखा, आधी खत्म हेर फेर, एक परेशान करने वाली हत्या, लगभग अश्लील रूप से लंबी है। फिल्म चकदार रूप से प्रभावशाली और डरनी रूप से क्रूर है। द गार्जियन की कैथरीन ने ब्रे ने कहा कि किल की उचेसी को एक ऐसी ऊर्जा और उत्साह के साथ हासिल किया गया जो इसे एक्शन सिनेमा एक स्वारिश टुकड़ा बनाता है, जो अपने मुक्कों को नहीं खींचता या उंगलियों को चटकाने वाला अच्छा है। द टाइम्स की केविन महर ने कहा, कथानक दर्दनाक रूप से सत्य और अमृत नामक एक घातक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कमांडो को रखता है। क्लाइडर के नेट रीचर ने फिल्म को बी रेटिंग दी और लिखा, निखिल नागेश भट्ट की आक्रामक रूप से हिंसक एक्शन फिल्म एक पंथ क्लासिक बनने के लिए कस किस्मत में है। वैरायटी की पीटर ट्रिब्रुज ने लिखा, देश में अब तक बनी सबसे क्रूर फिल्म किल एक चौंकने वाली ग्राफिक एक्शन सुकेश है, जो एक ऐसे उर्स है जो आमतौर पर हिंसा को आदि कर्तूनी रजिस्टर में दिखाता है। द मर्करी न्यूज के रैन मैरियस ने कहा, करहाने वाले 50 मिनट की प्रदर्शन के बाद फिल्म उस सभी सम्मान को छोड़ देता है और एक धमाकेदार फिल्म बन जाती है, जबकि लक्ष्य की हमारे अगले बड़े एक्शन स्टार बनने के लिए एक ठोस तर्क देती है। बॉलीवुड रिपोर्टर के फ्रेक शेख ने कहा, लड़ाई के दृश्य बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ फिल्माए और इस्पादित किए गए, लेकिन वे अपने बिना रुके इतनी बेरहमी से चलते कि देखने का अनुभव सुरोना हो जाता है। इंडी वायर की डेविड आर्लिस ने फिल्म को बी रेटिंग दी और कहा कि किल अपने मुक्तपूर्ण सेंसर के साथ बहुत बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन साथ भट्ट की एक्शन असाधारणता के बारे में सबसे आयोजनक बात यह है कि यह कभी भी ट्रैक से हटे बिना उम्मीदों को उलट देती है। सीजी मैगजीन को शामिल शौकी लैपटॉप ने 8/15 रेटिंग दी और लिखा, किल साल की 37 एक्शन फिल्मों से एक है और एक्शन प्रशंसकों को इसे अपने रडार पर रखना चाहिए। फिल्म की मैट डोनाटो ने फिल्म को 10 में से 9 स्टार दिए। उन्होंने यह भी कहा, कोई भी आनंददायक बॉलीवुड डांस इंटरल्यूड नहीं है, यह आरआर नहीं है। भट्ट की शानदार क्रू फिल्म में द नाइट क्रॉम्स फार अस या द रेड जैसे कि इंडोनेशियाई बदमाशी से ज़्यादा संबंध है, जो चाकू की घावों से खून की नदी की तरह बहने वाली खतरनाक हिंसा को बढ़ाती है। स्लेट मैगजीन की राय की मैक इंडो ने फिल्म और हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हिंदी मूवी की भाषा में। तो दोस्तों अगर आप लगुनीत मोगा की फैन हो और किल मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किल 22/3 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो निखिल गणेश भट्ट की द्वारा लिखित और निर्देशित है और करण जौहर, गुनीत मोगा, अपरू मेहता और अचिन जैन की द्वारा निर्मित है। फिल्म में नवोदित लक्ष्य के साथ राघव जियाल, आशीष विद्यार्थी, हर्ष छाया, तानिया मणिकतला और अभिषेक चौहान हैं। फिल्म किल का प्रीमियर 7 सितंबर 2023 को
टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां यह फिल्म पीपल्स चॉइस अवार्ड मिडनाइट मैडनेस के लिए फर्स्ट रनर अप रहा। इसे जून 2024 में ट्रिब्रेका फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया कि फिल्म को 5 जुलाई 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। सेना की कमांडो अमृत राठौर को पता चलता है कि उसकी प्रेमिका तुरिका की सगाई उसकी मर्जी के खिलाफ हो गई, जहां वह शादी को रोकने के लिए एक साहसी खोज में नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है। हालांकि फानी के नेतृत्व में चाकूधारी डाकू का एक गिरोह ट्रेन में यात्रा को अंतिम करना शुरू कर देता है, जहाँ अमृत और उसका दोस्त विदेश यात्रियों को बचाने के लिए डाकू से भिड़ जाते हैं। टोरंटो में अपने प्रेमिया से एक महीने से भी कम समय पहले धर्मा पोरकसन और सिक्या एंटरटेनमेंट ने मई 2023 में घोषित एक कंटेंट पार्टनरशिप के तहत पहली बार निखिल नागेश की भट्ट की दल निर्देशित फिल्म किल की घोषणा की। सुभाष की जा के साथ एक संगीतकार में निर्देशन निखिल नागेश भट्ट ने कहा कि अभिनेता को MMA कलाकारों के साथ शिक्षित किया जाना था। भट्ट ने एक संगीतकार में यह भी कहा कि किल 99.5 में उसके द्वारा अनुभव की गई एक वास्तविक जीवन की ट्रेन टकरी से प्रेरित थी। गीत निकट को रेखा भरदार ने गाया और गाने का संगीत हारून गोविंद ने बनाया और गीत सिद्धार्थ कौशल की द्वारा लिखे गए जाकू राखी साइया विक्रम मैंटूस की द्वारा रचित और शेखर सितोर की द्वारा लिखित है। किल का प्रीमियर 7 सितंबर 2023 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मिडनाइट मैडनेस टैक्स में हुआ। फिल्म 5 जुलाई 2024 को भारत में एक नाटकीय रिलीज है। अक्टूबर 2023 में लायंस गेट ने उत्तरी अमेरिकी और यूनाइटेड किंगडम के लिए वितरण अधिकार हासिल कर लिए, जो कि हॉलीवुड स्टूडियो की तरह संयुक्त रहे अमेरिका में सीधे रिलीज करने के लिए हिंदी भाषा की फिल्म हासिल करने का पहला उदाहरण था। फिल्म को उत्तरी अमेरिका में 20 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज किया गया। लाइसियट ने रोड साइड और टी क्रोसन के साथ मिलकर बाद में भारत में रिलीज होने से एक दिन पहले 4 जुलाई 2024 को संयुक्त अमेरिका में एक नाटकीय रिलीज के लिए फिल्म को शेड्यूल किया। बी डिस्ट्रीब्यूशन 5 सितंबर 2024 को अर्जेंटीना थिएटर रिलीज के लिए फिल्म को रिलीज करने के लिए तैयार है। पेरिस फिल्म 9 सितंबर 2024 को ब्राज़ील का सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज करेगी। पैराडाइव ग्रुप ने 25 जुलाई 2024 को रूसी सिनेमाघरों में के नाम से फिल्म को रिलीज करने के लिए वितरण अधिकार हासिल किए। समीक्षा एक दी ग्रेटर वेबसाइट रिटर्न टोमाटोज पर 91 आलोचकों की 90 समीक्षाएं सकारात्मक, जिनकी औसत रेटिंग 7/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है कि एक आतंक रोमांचकारी सवारी कोई कच्चे भावनात्मक दाव पर आधारित है। किल एक ऐसा सैंडविच पेश करती है जिससे एक्शन प्रशंसक खुशी खुशी खाएंगे। मेटाक्रिटिक ने 80 आलोचकों के आधार पर आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं का हवाला देती हुई 100 में से 74 के स्कोर के साथ फिल्म को रेट किया। इंडिया टुडे की जीनिया बदोपाध्याय ने फिल्म को 4.55 स्टार दी और लिखा, यह एक्शन और अन्य सभी प्रशंसकों के लिए देखने लायक है। Reddit.com की सुकन्या वर्मा ने 4.5 स्टार दी और कहा, हिस्सा के बारे में एक अति हिंसक फिल्म की किल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ इसकी मृत्यु संख्या नहीं है बल्कि हिस्सा के बारे में हमारी धारणा को चुनौती देना है। बॉलीवुड हंगामा ने 3.55 दिए और लिखा, कुल मिलाकर के किल एक हिंसक और स्टाइलिश एक्शन एंटरटेनर। NDTV के साइबल चटर्जी ने 3.55 स्टार दिए और कहा कि किल में एक नैतिक दिशा निर्देश है जो सामने आने वाली युद्ध के लिए एक स्पष्ट दर्दक है। पिंक व्हीलर की सिरिस्टिल जुगानी ने 3.55 स्टार दिए और लिखा, एक सघन कथानक और अधिक भयानक। प्रीति पक्षी के साथ किल एक फिल्म के रूप में और भी बेहतर काम कर सकती थी।
द इंडियन एक्सप्रेस की सुबह गुप्ता ने कहा कि किल एक दुबली पतली मतलबी हत्या मशीन है। द हिंदू की स्थलाजीत मित्रा ने लक्ष्य के अभिनय की प्रशंसा की और कहा, लक्ष्य जिसे हिंदी सिनेमा की नई हत्या मशीन के रूप में अत्यधिक प्रचारित किया जा रहा है, पसीने से तर मजबूत और खौलता हुआ है। युवा अभिनेता टाइगर श्रॉफ या विरू जामवाल की एट लेडी कटा को नकराता है। इसके बजाय आधी केंद्रित संघर्षपूर्ण लड़ाई शैली को विकल्प चुनता है। मीन की उदय भाटिया ने कहा कि किल वास्तव में एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म नहीं, इसमें कोई स्लो मो नहीं है, कोई लीज नहीं, कोई सांस लेने की जगह नहीं। स्क्रॉल इन की नंदिनी रामनाथ ने टिप्पणी की, फिल्म का सबसे यादगार दृश्य इस सीधे हॉरर क्षेत्र में ले जाता है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के कार्तिक भरदार ने 4-5 स्टार दिए और लिखा, यह अपनी खुद की कहानी बुनता है, हाथापाई और उड़ते हुए किक पहले आते। फिल्म की किल को अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों से प्रशंसा मिली। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की किम न्यूमैन ने कहा, पहला भाग बिल्कुल धीमा नहीं है, लेकिन वास्तविक कार्रवाई शुरू होने से पहले बुनियादी संघर्षों को स्थापित करना शुरू होगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स की जीनेट की कैट स्टाइलिस ने फिल्म को आर रेटिंग दी और लिखा, आधी खत्म हेर फेर एक परेशान करने वाली हत्या लगभग अश्लील रूप से लंबी है। फिल्म चकदार रूप से प्रभावशाली और डरनी रूप से क्रू है। द गार्जियन की कैथरीन ब्रे ने कहा कि किल की उचित स्थिति को एक ऐसी ऊर्जा और उत्साह के साथ हासिल किया गया जो इसे एक्शन सिनेमा एक स्वादिष्ट टुकड़ा बनाता है, जो अपने मुक्कों को नहीं खींचता या उंगलियों को चटकाने वाला अच्छा है। द टाइम्स की केविन महर ने कहा, कथानक दर्दनाक रूप से सती है और अमृत नामक एक घातक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कमांडो को रखता है। क्लाइडर की नेट रीचर ने फिल्म को बी रेटिंग दी और लिखा, निखिल नगेश भट्ट की आक्रात्मक रूप से हिंसक एक्शन फिल्म एक पंथ क्लासिक बनने के लिए कस किस्मत में है। वैरायटी की पीटर ट्रिब्रुज ने लिखा, देश में अब तक बनी सबसे क्रूर फिल्म किल एक चौंकने वाली ग्राफिक एक्शन सुकेश है, जो एक ऐसे उद्योग है जो आमतौर पर हिंसा को आधी कर्तूनी रजिस्टर में दिखाता है। द मर्करी न्यूज के रैन मैरिस ने कहा, करहाने वाले 50 मिनट की प्रदर्शन के बाद फिल्म उस सभी सम्मान को छोड़ देता है और एक धमाकेदार फिल्म बन जाती है, जबकि लक्ष्य कि हमारे अगले बड़े एक्शन स्टार बनने के लिए एक ठोस तर्क देती है। बॉलीवुड रिपोर्टर के फ्रेक सेठ ने कहा, लड़ाई के दृश्य बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ फिल्माए और इस्पादित किए गए, लेकिन वे अपने बिना रुके इतनी बेरहमी से चलते कि देखने का अनुभव सुरोना हो जाता है। इंडी वायर की डेविड आर्लिस ने फिल्म को बी रेटिंग दी और कहा कि किल अपने मुख्तपर सेंसर के साथ बहुत बहुत अच्छी तरह से काम करते, लेकिन साथ भट्ट की एक्शन असाधारणा के बारे में सबसे आयोजनक बात यह है कि यह कभी भी ट्रैक से हटे बिना उम्मीदों को उलट देती है। सीजी मैगजीन को शामिल शौकी लैपटॉप ने 8/15 रेटिंग दी और लिखा, किल साल की 37 एक्शन फिल्मों से एक है और एक्शन प्रशंसकों को इसे अपने रडार पर रखना चाहिए। फिल्म की मैट डोनाटो ने फिल्म को 10 में से 9 स्टार दिए। उन्होंने यह भी कहा, कोई भी आनंददायक बॉलीवुड डांस इंटरल्यूड नहीं है या आरआर नहीं है। भट्ट की शानदार क्रू फिल्म में द नाइट क्रॉम्स फार अस्त या द रेड जैसे कि इंडोनेशियाई बदमाशी से ज़्यादा संबंध है, जो चाकू की घाव से खून की नदी की तरह बहने वाली खतरनाक हिंसा को बढ़ाती है। स्लेट मैगजीन की राय की मैक इंडो ने फिल्म और हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हिंदी मूवी की भाषा में। तो दोस्तों अगर आप लगुनीत मोगा की फैन हो और किल मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किल 22
थ्री की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो निखिल गणेश भट्ट की द्वारा लिखित और निर्देशित है और करण जौहर, गुनीत मोगा, अपरू मेहता और अचिन जैन की द्वारा निर्मित है। फिल्म में नवोदित लक्ष्य लक्ष्य के साथ राघव जियाल, आशीष विद्यार्थी, हर्ष छाया, तानिया मणिकतला और अभिषेक चौहान हैं। फिल्म किल का प्रीमियर 7 सितंबर 2023 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां यह फिल्म पीपल्स चॉइस अवार्ड मिडनाइट मैडनेस के लिए फर्स्ट रनर अप रहा। इसे जून 2024 में ट्रिब्रेका फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया कि फिल्म को 5 जुलाई 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। सेना की कमांडो अमृत राठौर को पता चलता है कि उसकी प्रेमिका तुरिका की सगाई उसकी मर्जी के खिलाफ हो गई, जहां वह शादी को रोकने के लिए एक साहसी खोज में नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है। हालांकि फानी के नेतृत्व में चाकूधारी डाकू का एक गिरोह ट्रेन में यात्रा को अंतिम करना शुरू कर देता है, जहाँ अमृत और उसका दोस्त विदेश यात्रियों को बचाने के लिए डाकू से भिड़ जाते हैं। टोरंटो में अपनी प्रेमिया से एक महीने से भी कम समय पहले धर्मा पोरकसन और सिखिया एंटरटेनमेंट ने मई 2023 में घोषित एक कंटेंट पार्टनरशिप के तहत पहली बार निखिल नागेश की भट्ट की दर निर्देशित फिल्म किल की घोषणा की। सुभाष के जा के साथ एक संगीतकार में निर्देशन निखिल नागेश भट्ट ने कहा कि अभिनेता को MMA कलाकारों के साथ शिक्षित किया जाना था। भट्ट ने एक संगीतकार में यह भी कहा कि किल 99.5 में उसके द्वारा अनुभव की गई एक वास्तविक जीवन की ट्रेन तो कहती से प्रेरित थी। गीत निकट को रेखा भरदार ने गाया और गाने का संगीत हारून गोविंद ने बनाया और गीत सिद्धार्थ कौशल की द्वारा लिखे गए जाकू राखी साइया विक्रम मैंटोस की द्वारा चीर और शेखर ऋषि तत्व की द्वारा लिखित है। किल का प्रीमियर 7 सितंबर 2023 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मिडनाइट मैडनेस डक्स में हुआ। फिल्म 5 जुलाई 2024 को भारत में एक नाटकीय रिलीज है। अक्टूबर 2023 में लायंस गेट ने उत्तरी अमेरिकी और यूनाइटेड किंगडम के लिए वितरण अधिकार हासिल कर लिए, जो कि हॉलीवुड स्टूडियो की तरह संयुक्त अमेरिका में सीधे रिलीज करने के लिए हिंदी भाषा की फिल्म हासिल करने का पहला उदाहरण था। फिल्म को उत्तरी अमेरिका में 20 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज किया गया। लाइसेंस ने रोड साइड और टी क्रॉसन के साथ मिलकर बाद में भारत में रिलीज होने से एक दिन पहले 4 जुलाई 2024 को संयुक्त अमेरिका में एक नाटकीय रिलीज के लिए फिल्म को शेड्यूल किया। बी डिस्ट्रीब्यूशन 5 सितंबर 2024 को अर्जेंटीना थिएटर का रिलीज के लिए फिल्म को रिलीज करने के लिए तैयार है। पेरिस फिल्म 9 सितंबर 2024 को ब्राज़ील का सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज करेगी। पैराडाइव ग्रुप ने 25 जुलाई 2024 को रूसी सिनेमाघरों में के नाम से फिल्म को रिलीज करने के लिए वितरण अधिकार हासिल किए। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रटन टोमेटोज पर 91 आलोचकों की 90 समीक्षाएं सकारात्मक, जिनकी औसत रेटिंग 7/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है कि एक आतंक रोमांचकारी सवारी को कच्ची भावनात्मक दाव पर आधारित है। किल एक ऐसा सैंडविच पेश करती है जिससे एक्शन प्रशंसक खुशी खुशी खाएंगे। मेटाक्रिटिक ने 80 आलोचकों के आधार पर आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं का हवाला देती हुई 100 में से 74 के स्कोर के साथ फिल्म को रेट किया। इंडिया टुडे की जीनिया बदोपाध्याय ने फिल्म को 4.55 स्टार दी और लिखा, यह एक्शन और अन्य सभी प्रशंसकों के लिए देखने लायक है। Reddit.com की सुकन्या वर्मा ने 4.5 स्टार दी और कहा, हिस्सा के बारे में एक अति हिंसक फिल्म की किल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ इसकी मृत्यु संख्या नहीं है बल्कि हिस्सा के बारे में हमारी धारणा को चुनौती देना है। बॉलीवुड हंगामा ने 3.55 दिए और लिखा, कुल मिलाकर के
किल एक हिंसक और स्टारिश एक्शन एंटरटेनर। एनडीटीवी के साइबल चटर्जी ने 3.55 स्टार दिए और कहा कि किल में एक नैतिक दिशा निर्देश है जो सामने आने वाली युद्ध के लिए एक स्पष्ट तर्दक है। पिंक व्हीलर की स्थिर जुगानी ने 3.55 स्टार दिए और लिखा, एक सघन कथानक और अधिक भयानक। प्रीति पक्षी के साथ किल एक फिल्म के रूप में और भी बेहतर काम कर सकती थी। द इंडियन एक्सप्रेस की सुबह गुप्ता ने कहा कि किल एक दुबली पतली मतलबी हत्या मशीन है। द हिंदू की शिलाजीत मित्रा ने लक्ष्य के अभिनय की प्रशंसा की और कहा, लक्ष्य जिसे हिंदी सिनेमा की नई हत्या मशीन के रूप में अत्याधिक प्रचारित किया जा रहा है, पसीने से तर मजबूत और खौलता हुआ है। युवा अभिनेता टाइगर श्रॉफ या विरू जामवाल की एट लेडी कटा को नकराता है। इसके बजाय आधिकेंद्रित संघर्षपूर्ण लड़ाई शैली को विकल्प चुनता है। मीन की उदय भाटिया ने कहा कि किल वास्तव में एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म नहीं, इसमें कोई स्लो मो नहीं है, कोई लीज नहीं, कोई सांस लेने की जगह नहीं। स्क्रॉल इन की नंदिनी रामनाथ ने टिप्पणी की, फिल्म का सबसे यादगार दृश्य इस सीधे हॉरर क्षेत्र में ले जाता है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के कार्तिक भरदार ने 4.5 स्टार दिए और लिखा, यह अपनी खुद की कहानी बुनता है। हाथापाई और उड़ते हुए किक पहले आते फिल्म की किल को अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों से प्रशंसा मिली। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की किम न्यूमैन ने कहा, पहला भाग बिल्कुल धीमा नहीं है, लेकिन वास्तविक कार्रवाई शुरू होने से पहले बुनियादी संघर्षों को स्थापित करना शुरू होगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स की जीनेट की कैट स्टाइलिस्ट ने फिल्म को आर रेटिंग दी और लिखा, आधी खत्म हेर फेर एक परेशान करने वाली हत्या लगभग अश्लील रूप से लंबी है। फिल्म चकदार रूप से प्रभावशाली और डरनी रूप से क्रू है। द गर्जियन की कैथरीन ने ब्रे ने कहा कि किल की उच्चस्तरीय को एक ऐसी ऊर्जा और उत्साह के साथ हासिल किया गया जो इसे एक्शन सिनेमा एक स्वारिश टुकड़ा बनाता है जो अपने मुक्कों को नहीं खींचता या उंगलियों को चटकाने वाला अच्छा है। द टाइम्स की केविन महर ने कहा, कथानक दर्दनाक रूप से सत्य और अमृत नामक एक घातक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कमांडो को रखता है। क्लाइडर की नेट रीचर ने फिल्म को बी रेटिंग दी और लिखा, निखिल नागेश भट्ट की आक्रामक रूप से हिंसक एक्शन फिल्म एक पंक क्लासिक बनने के लिए कस किस्मत में है। वैरायटी की पीटर ट्रिब्रुज ने लिखा, देश में अब तक बनी सबसे क्रूर फिल्म किल एक चौंकने वाली ग्राफिक एक्शन सुकेश है जो एक ऐसे उद्योग से जो आमतौर पर हिंसा को आदि कर्तूनी रजिस्टर में दिखाता है। द मर्करी न्यूज के रैन मैरियस ने कहा, करहाने वाले 50 मिनट की प्रदर्शन के बाद फिल्म उस सभी सम्मान को छोड़ देता है और एक धमाकेदार फिल्म बन जाती है, जबकि लक्ष्य की हमारे अगले बड़े एक्शन स्टार बनने के लिए एक ठोस तर्क देती है। बॉलीवुड रिपोर्टर के फ्रेक शेख ने कहा, लड़ाई के दृश्य बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ फिल्माए और इस्पादित किए गए, लेकिन वे अपने बिना रुके इतनी बेरहमी से चलते कि देखने का अनुभव सुरोना हो जाता है। इंडी वायर की डेविड आर्लिन ने फिल्म को बी रेटिंग दी और कहा कि किल अपने मुक्तप्रोल सेंसर के साथ बहुत बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन साथ भट्ट की एक्शन असाधारणा के बारे में सबसे आयोजनक बात यह है कि यह कभी भी ट्रैक से हटे बिना उम्मीदों को उलट देती है। सीजी मैगजीन को शामिल शौकी लैपटॉप ने 8.15 रेटिंग दी और लिखा, किल साल की सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्मों से एक है और एक्शन प्रशंसकों को इसे अपने रडार पर रखना चाहिए। फिल्म की मैट डोनाटो ने फिल्म को 10 में से 9 स्टार दिए। उन्होंने यह भी कहा, कोई भी आनंददायक बॉलीवुड डांस इंटरल्यूड नहीं है, यह आरआर नहीं है। भट्ट की शानदार क्रू फिल्म में द नाइट क्रॉम्स फार अस या द रेड जैसे कि इंडोनेशियाई बदमाशी से ज़्यादा समंदर जो चाकू की घावों से खून की नदी की तरह बहने वाली खतरनाक हिंसा को बढ़ाती है। स्लेट मैगजीन की राय की मैक इंडो ने फिल्म और हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ
हिंदी मूवी की भाषा में। तो दोस्तों, अगर आप लगुनी मोगा की फैन हो और किल मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किल 22/3 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो निखिल गणेश भट्ट की द्वारा लिखित और निर्देशित है और करण जौहर, गुनीत मोगा, अपरू मेहता और अचिन जैन की द्वारा निर्मित है। फिल्म में नवोदित लक्ष्य के साथ राघव जियाल, आशीष विद्यार्थी, हर्ष छाया, तानिया मणिकतला और अभिषेक चौहान हैं। फिल्म किल का प्रीमियर 7 सितंबर 2023 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां यह फिल्म पीपल्स चॉइस अवार्ड मिडनाइट मैडनेस के लिए फर्स्ट रनर अप रहा। इसे जून 2024 में ट्रिब्रेका फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया कि फिल्म को 5 जुलाई 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसी आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। सेना की कमांडो अमृत राठौर को पता चलता है कि उसकी प्रेमिका तुरिका की सगाई उसकी मर्जी के खिलाफ हो गई, जहां वह शादी को रोकने के लिए एक साहसी खोज में नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है। हालांकि फानी के नेतृत्व में चाकूधारी डाकू का एक गिरोह ट्रेन में यात्रा को अंतिम करना शुरू कर देता है, जहाँ अमृत और उसका दोस्त विदेश यात्रियों को बचाने के लिए डाकू से भिड़ जाते हैं। टोरंटो में अपने प्रेमिया से एक महीने से भी कम समय पहले धर्मा पोरकसन और सिखिया एंटरटेनमेंट ने मई 2023 में घोषित एक कंटेंट पार्टनरशिप के तहत पहली बार निखिल नागेश की भट्ट की दर निर्देशित फिल्म किल की घोषणा की। सुभाष की जा के साथ एक संगीतकार में निर्देशन निखिल नागेश भट्ट ने कहा कि अभिनेता को MMA कलाकारों के साथ शिक्षित किया जाना था। भट्ट ने एक संगीतकार में यह भी कहा कि किल 99.5 में उसके द्वारा अनुभव की गई एक वास्तविक जीवन की ट्रेन टुकड़ी से प्रेरित थी। गीत निकट को रेखा भरदार ने गाया और गाने का संगीत हारून गोविंद ने बनाया और गीत सिद्धार्थ कौशल की द्वारा लिखे गए जाकू राखी साइया विक्रम मैंटूस की द्वारा रचित और शेखर रचित तत्व की द्वारा लिखित है। किल का प्रीमियर 7 सितंबर 2023 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मिडनाइट मैडनेस एक्स में हुआ। फिल्म 5 जुलाई 2024 को भारत में एक नाटकीय रिलीज है। अक्टूबर 2023 में लायंस गेट ने उत्तरी अमेरिकी और यूनाइटेड किंगडम के लिए वितरण अधिकार हासिल कर लिए, जो कि हॉलीवुड स्टूडियो की तरह संयुक्त रहे अमेरिका में सीधे रिलीज करने के लिए हिंदी भाषा की फिल्म हासिल करने का पहला उदाहरण था। फिल्म को उत्तरी अमेरिका में 20 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज किया गया। लायंस गेट ने रोड साइड और टी प्रोडक्शन के साथ मिलकर बाद में भारत में रिलीज होने से एक दिन पहले 4 जुलाई 2024 को संयुक्त अमेरिका में एक नाटकीय रिलीज के लिए फिल्म को शेड्यूल किया। बी डिस्ट्रीब्यूशन 5 सितंबर 2024 को अर्जेंटीना थिएटर रिलीज के लिए फिल्म को रिलीज करने के लिए तैयार है। पेरिस फिल्म 9 सितंबर 2024 को ब्राज़ील का सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज करेगी। पैराडाइव ग्रुप ने 25 जुलाई 2024 को रूसी सिनेमाघरों में के नाम से फिल्म को रिलीज करने के लिए वितरण अधिकार हासिल किए। समीक्षा एक दी ग्रेटर वेबसाइट रिटर्न टोमाटोज पर 91 आलोचकों की 90 समीक्षाएं सकारात्मक, जिनकी औसत रेटिंग 7/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है कि एक आर्थिक रोमांचकारी सवारी कोई कच्चे भावनात्मक दाव पर आधारित है। किल एक ऐसा सैंडविच पेश करती है जिससे एक्शन प्रशंसक खुशी खुशी खाएंगे। मेटाक्रिटिक ने 80 आलोचकों के आधार पर आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं का हवाला देती हुई 100 में से 74 के स्कोर के साथ फिल्म को रेट किया। इंडिया टुडे की जीनिया बदोपाध्याय ने फिल्म को 4.55 स्टार दी और लिखा, यह एक्शन और अन्य सभी प्रशंसकों के लिए देखने लायक है। रेडिट.com की सुकन्या वर्मा ने
4-5 स्टार और काहिस्ता के बारे में एक अति हिंसक फिल्म की किल की सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ इसकी मृत्यु संख्या नहीं है बल्कि हिस्सा के बारे में हमारी धारणा को चुनौती देने। बॉलीवुड हंगामा ने 3-5-5 दिए और लिखा कुल मिलाकर कि किल एक हिंसक और स्टारिश एक्शन एंटरटेनर। NDTV के साइबल चटर्जी ने 3-5-5 स्टार दिए और कहा कि किल में एक नैतिक दिशा निर्देश है जो सामने आने वाली युद्ध के लिए एक सुपर स्तरदक है। पिंक व्हीलर की सिरिस्टिल जुगानी ने 3-5-5 स्टार दिए और लिखा एक सघन कथानक और अधिक भयानक। प्रीति पक्षी के साथ किल एक फिल्म के रूप में और भी बेहतर काम कर सकती थी। द इंडियन एक्सप्रेस की सुबह गुप्ता ने कहा कि किल एक दुबली पतली मतलबी हत्या मशीन है। द हिंदू की शिलाजीत मित्रा ने लक्ष्य के अभिनय की प्रशंसा की और कहा लक्ष्य जिसे हिंदी सिनेमा की नई हत्या मशीन के रूप में अत्यधिक प्रचारित किया जा रहा है पसीने से तर मजबूत और खौलता हुआ है। युवा अभिनेता टाइगर श्रॉफ या विरू जामवाल की एट लेडी कटा को नकराता है इसके बजाय आधी केंद्रित संघर्षपूर्ण लड़ाई शैली को विकल्प चुनता है। मीन की उदय भाटिया ने कहा कि किल वास्तव में एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म नहीं इसमें कोई स्लो मो नहीं है कोई रिलीज नहीं कोई सांस लेने की जगह नहीं। स्क्रॉल इन की नंदिनी रामनाथ ने टिप्पणी की फिल्म का सबसे यादगार दृश्य इस सीधे हॉरर क्षेत्र में ले जाता है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के कार्तिक भरदार ने 4-5 स्टार दिए और लिखा यह अपनी खुद की कहानी बुनता है हाथापाई और उड़ते हुए किक पहले आते फिल्म की किल को अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों से प्रशंसा मिली। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की किम न्यूमैन ने कहा पहला भाग बिल्कुल धीमा नहीं है लेकिन वास्तविक कार्रवाई शुरू होने से पहले बुनियादी संघर्षों को स्थापित करना शुरू होगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स की जीनेट की कैट स्टाइलिस ने फिल्म को आर रेटिंग दी और लिखा आधी खत्म हेर फेर एक परेशान करने वाली हत्या लगभग अश्लील रूप से लंबी है। फिल्म चकदार रूप से प्रभावशाली और डरनी रूप से क्रू है। द गार्जियन की कैथरीन ब्रे ने कहा कि किल की उच्चस्तर को एक ऐसी ऊर्जा और उत्साह के साथ हासिल किया गया जो इसे एक्शन सिनेमा एक स्वारिश टुकड़ा बनाता है जो अपने मुक्कों को नहीं खींचता या उंगलियों को चटकाने वाला अच्छा है। द टाइम्स की केविन महर ने कहा कथानक दर्दनाक रूप से सती और अमृत नामक एक घातक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कमांडो को रखता है। क्लाइडर के नेट रीचर ने फिल्म को बी रेटिंग दी और लिखा निखिल नरेश भट्ट की आक्रात्मक रूप से हिंसक एक्शन फिल्म एक पंक क्लासिक बनने के लिए कस किस्मत में है। वैरायटी की पीटर ट्रिब्रुज ने लिखा देश में अब तक बनी सबसे क्रूर फिल्म किल एक चौंकने वाली ग्राफिक एक्शन सुकेश है जो एक ऐसे उद्योग से जो आमतौर पर हिंसा को आधी कर्तूनी रजिस्टर में दिखाता है। द मर्करी न्यूज के रैन मैरिस ने कहा करहाने वाले 50 मिनट की प्रदर्शन के बाद फिल्म उस सभी सम्मान को छोड़ देता है और एक धमाकेदार फिल्म बन जाती है जबकि लक्ष्य के हमारे अगले बड़े एक्शन स्टार बनने के लिए एक ठोस तर्क देती है। बॉलीवुड रिपोर्टर के फ्रेक शेख ने कहा लड़ाई के दृश्य बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ फिल्माए और इस्पादित किए गए लेकिन वे अपने बिना रुके इतनी बेरहमी से चलते कि देखने का अनुभव सुरोना हो जाता है। इंडी वायर की डेविड आर्लिस ने फिल्म को बी रेटिंग दी और कहा कि किल अपने मुख्तपूर्ण सेंसर के साथ बहुत बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं लेकिन साथ भट्ट की एक्शन असाधारण के बारे में सबसे आयोजनक बात यह है कि यह कभी भी ट्रैक से हटे बिना उम्मीदों को उलट देती है। सीजी मैगजीन को शामिल शौकी लैपटॉप ने 8/15 रेटिंग दी और लिखा किल साल की 37 एक्शन फिल्मों से एक है और एक्शन प्रशंसकों को इसे अपने रडार पर रखना चाहिए। फिल्म की मैट डोनाटो ने फिल्म को 10 में से 9 स्टार दिए। उन्होंने यह भी कहा कोई भी आनंददायक बॉलीवुड डांस इंटरल्यूड नहीं है या RR नहीं है। भट्ट की शानदार क्रू फिल्म में द नाइट क्रॉम्स फार
असियादार है, जैसे कि इंडोनेशियाई बदमाशी से ज़्यादा समंदर जो चाकू की घाव से खून की नदी की तरह बहने वाली खतरनाक हिंसा को बढ़ाती है। स्लेट मैगजीन की राय के मैक इंडोनेफेम और हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हिंदी मूवी की भाषा में। तो दोस्तों अगर आप लगुनीत मोगा की फैन हो और किल मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किल 22/3 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो निखिल गणेश भट्ट की द्वारा लिखित और निर्देशित है और करण जौहर, गुनीत मोगा, अपरू मेहता और अचिन जैन की द्वारा निर्मित है। फिल्म में नवोदित लक्ष्य के साथ राघव जियाल, आशीष विद्यार्थी, हर्ष छाया, तानिया मणि कतला और अभिषेक चौहान हैं। फिल्म किल का प्रीमियर 7 सितंबर 2023 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां यह फिल्म पीपल्स चॉइस अवार्ड मिडनाइट मैडनेस के लिए फर्स्ट रनर अप रहा। इसे जून 2024 में ट्रिब्रेका फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया कि फिल्म को 5 जुलाई 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसी आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। सेना की कमांडो अमृत राठौर को पता चलता है कि उसकी प्रेमिका तुरिका की सगाई उसकी मर्जी के खिलाफ हो गई, जहां वह शादी को रोकने के लिए एक साहसी खोज में नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है। हालांकि फानी के नेतृत्व में चाकूधारी डाकू का एक गिरोह ट्रेन में यात्रा को अंतिम करना शुरू कर देता है, जहाँ अमृत और उसका दोस्त विदेश यात्रियों को बचाने के लिए डाकू से भिड़ जाते हैं। टोरंटो में अपनी प्रेमिया से एक महीने से भी कम समय पहले धर्मा पोरकसन और सिखिया एंटरटेनमेंट ने मई 2023 में घोषित एक कंटेंट पार्टनरशिप के तहत पहली बार निखिल नागेश की भट्ट की दर निर्देशित फिल्म किल की घोषणा की। सुभाष के जा के साथ एक संगीतकार में निर्देशन निखिल नागेश भट्ट ने कहा कि अभिनेता को MMA कलाकारों के साथ शिक्षित किया जाना था। भट्ट ने एक संगीतकार में यह भी कहा कि किल 99.5 में उसकी द्वारा अनुभव की गई एक वास्तविक जीवन की ट्रेन तो कहती से प्रेरित थी। गीत निकट को रेखा भरदार ने गाया और गाने का संगीत हारून गोविंद ने बनाया और गीत सिद्धार्थ कौशल की द्वारा लिखे गए जाकू राखी साइया विक्रम मैंटूस की द्वारा चीर और शेखर रसी तत्व की द्वारा लिखी है। किल का प्रीमियर 7 सितंबर 2023 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मिडनाइट मैडनेस टैक्स में हुआ। फिल्म 5 जुलाई 2024 को भारत में एक नाटकीय रिलीज है। अक्टूबर 2023 में लायंस गेट ने उत्तरी अमेरिकी और यूनाइटेड किंगडम के लिए वितरण अधिकार हासिल कर लिए, जो कि हॉलीवुड स्टूडियो की तरह संयुक्त रहे अमेरिका में सीधे रिलीज करने के लिए हिंदी भाषा की फिल्म हासिल करने का पहला उदाहरण था। फिल्म को उत्तरी अमेरिका में 20 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज किया गया। लाइसेंस ने रोड साइड और टी क्रॉसन के साथ मिलकर बाद में भारत में रिलीज होने से एक दिन पहले 4 जुलाई 2024 को संयुक्त अमेरिका में एक नाटकीय रिलीज के लिए फिल्म को शेड्यूल किया। बी डिस्ट्रीब्यूशन 5 सितंबर 2024 को अर्जेंटीना थिएटर का रिलीज के लिए फिल्म को रिलीज करने के लिए तैयार है। पेरिस फिल्म 9 सितंबर 2024 को ब्राज़ील का सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज करेगी। पैराडाइव ग्रुप ने 25 जुलाई 2024 को रूसी सिनेमाघरों में के नाम से फिल्म को रिलीज करने के लिए वितरण अधिकार हासिल किए। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रटन टोमेटोज पर 91 आलोचकों की 90 समीक्षाएं सकारात्मक, जिनकी औसत रेटिंग 7/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है कि एक आतंक रोमांचकारी सवारी को कच्चे भावनात्मक दाव पर आधारित है, कि एक ऐसा सैंडविच पेश करती है जिसे एक्शन प्रशंसक खुशी खुशी खाएंगे।
मेटाक्रिटिक ने एटी आलोचकों के आधार पर आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं का हवाला देती हुई 100 में से 74 के स्कोर के साथ फिल्म को रेट किया। इंडिया टुडे की जीनिया बधु पाकिया ने फिल्म को 4.5 स्टार दिए और लिखा, यह एक्शन और अन्य सभी प्रशंसकों के लिए देखने लायक है। Reddit.com की सुकन्या वर्मा ने 4.5 स्टार दिए और कहा, हिस्सा के बारे में एक अति हिंसक फिल्म की किल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ इसकी मृत्यु संख्या नहीं है बल्कि हिस्सा के बारे में हमारी धारणा को चुनौती देना है। बॉलीवुड हंगामा ने 3.55 दिए और लिखा, कुल मिलाकर के किल एक हिंसक और स्टाइलिश एक्शन एंटरटेनर। NDTV के साइबल चटर्जी ने 3.55 स्टार दिए और कहा कि किल में एक नैतिक दिशा निर्देश है जो सामने आने वाली युद्ध के लिए एक स्पष्ट दर्पण है। पिंक व्हीलर की सिरिस्टिल जुगानी ने 3.55 स्टार दिए और लिखा, एक सघन कथानक और अधिक भयानक। प्रीति पक्षी के साथ किल एक फिल्म के रूप में और भी बेहतर काम कर सकती थी। द इंडियन एक्सप्रेस की सुबह गुप्ता ने कहा कि किल एक दुबली पतली मतलबी हत्या मशीन है। द हिंदू की शिलाजीत मित्रा ने लक्ष्य के अभिनय की प्रशंसा की और कहा, लक्ष्य जिसे हिंदी सिनेमा की नई हत्या मशीन के रूप में अत्यधिक प्रचारित किया जा रहा है, पसीने से तर मजबूत और खौलता हुआ है। युवा अभिनेता टाइगर श्रॉफ या विधु जामवाल की एट लेडी कटा को नकराता है। इसके बजाय आदि केंद्रित संघर्षपूर्ण लड़ाई शैली को विकल्प चुनता है। मीन की उदय भाटिया ने कहा कि किल वास्तव में एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म नहीं, इसमें कोई स्लो मो नहीं है, कोई रिलीज नहीं, कोई सांस लेने की जगह नहीं। स्क्रॉल इन की नंदिनी रामनाथ ने टिप्पणी की, फिल्म का सबसे यादगार दृश्य इस सीधे हॉरर क्षेत्र में ले जाता है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के कार्तिक भरदार ने 4.5 स्टार दिए और लिखा, यह अपनी खुद की कहानी बुनता है। हाथापाई और उड़ते हुए किक पहले आते फिल्म की किल को अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों से प्रशंसा मिली। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के किम न्यूमैन ने कहा, पहला भाग बिल्कुल धीमा नहीं है लेकिन वास्तविक कार्रवाई शुरू होने से पहले बुनियादी संघर्षों को स्थापित करना शुरू होगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स की जीनेट की कैट स्टाइलिस्ट ने फिल्म को आर रेटिंग दी और लिखा, आधी खत्म हेर फेर एक परेशान करने वाली हत्या लगभग अश्लील रूप से लंबी है। फिल्म चकदार रूप से प्रभावशाली और डरनी रूप से क्रू है। द गर्जियन की कैटरीन ब्रे ने कहा कि किल की उचित स्थिति को एक ऐसी ऊर्जा और उत्साह के साथ हासिल किया गया जो इसे एक्शन सिनेमा एक स्वारिश टुकड़ा बनाता है जो अपने मुक्कों को नहीं खींचता या उंगलियों को चटकाने वाला अच्छा है। द टाइम्स की केविन महर ने कहा, कथानक दर्दनाक रूप से सत्य और अमृत नामक एक घातक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कमांडो को रखता है। क्लाइडर के नेट रीचर ने फिल्म को बी रेटिंग दी और लिखा, निखिल नागेश भट्ट की आक्रामक रूप से हिंसक एक्शन फिल्म एक पंथ क्लासिक बनने के लिए किस्मत में है। वैरायटी की पीटर ट्रिब्रुज ने लिखा, देश में अब तक बनी सबसे क्रूर फिल्म किल एक चौंकने वाली ग्राफिक एक्शन सुकेश है जो एक ऐसे उद्योग से जो आमतौर पर हिंसा को आदि कर्तूनी रजिस्टर में दिखाता है। द मर्करी न्यूज के रैन मैरिस ने कहा, करहाने वाले 50 मिनट की प्रदर्शन के बाद फिल्म उस सभी सम्मान को छोड़ देता है और एक धमाकेदार फिल्म बन जाती है जबकि लक्ष्य की हमारे अगले बड़े एक्शन स्टार बनने के लिए एक ठोस तर्क देती है। बॉलीवुड रिपोर्टर के फ्रेक शेख ने कहा, लड़ाई के दृश्य बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ फिल्माए और इस्पादित किए गए लेकिन वे अपने बिना रुके इतनी बेरहमी से चलते कि देखने का अनुभव सुरोना हो जाता है। इंडी वायर की डेविड आर्लिस ने फिल्म को बी रेटिंग दी और कहा कि किल अपने मुक्तपूर्ण सेंसर के साथ बहुत बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं लेकिन साथ भट्ट की एक्शन असाधारण के बारे में सबसे आयोजनक बात यह है कि यह कभी भी ट्रैक से हटे बिना उम्मीदों को उलट देती है। सीजी मैगजीन को शामिल शौकी लैपटॉप ने 8.15 रेटिंग दी और लिखा, किल साल की 37 एक्शन फिल्मों से एक है और एक्शन प्रशंसकों को इसे अपने रडार पर रखना चाहिए।
फिल्म की मैट डोनाटो ने फिल्म को 10 में से 9 स्टार दिए। उन्होंने यह भी कहा, कोई भी आनंददायक बॉलीवुड डांस इंटरल्यूड नहीं है, यह RR नहीं है। भट्ट की शानदार क्रू फिल्म में द नाइट क्रॉम्स फार अस या द रेड जैसे कि इंडोनेशियाई बदमाशी से ज़्यादा समानता है, जो चाकू की घावों से खून की नदी की तरह बहने वाली खतरनाक हिंसा को बढ़ाती है। स्लेट मैगजीन की राय की मैक इंडो ने फिल्म और हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हिंदी मूवी की भाषा में। तो दोस्तों अगर आप लगुनी मोगा की फैन हो और किल मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किल 22/3 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो निखिल गणेश भट्ट की द्वारा लिखित और निर्देशित है और करण जौहर, गुनीत मोगा, अपरू मेहता और अचिन जैन की द्वारा निर्मित है। फिल्म में नवोदित लक्ष्य के साथ राघव जियाल, आशीष विद्यार्थी, हर्ष छाया, तानिया मणिकतला और अभिषेक चौहान हैं। फिल्म किल का प्रीमियर 7 सितंबर 2023 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहाँ यह फिल्म पीपल्स चॉइस अवार्ड मिडनाइट मैडनेस के लिए फर्स्ट रनर अप रहा। इसे जून 2024 में ट्रिब्रेका फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया कि फिल्म को 5 जुलाई 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसी आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। सेना की कमांडो अमृत राठौर को पता चलता है कि उसकी प्रेमिका तुरिका की सगाई उसकी मर्जी के खिलाफ हो गई, जहां वह शादी को रोकने के लिए एक साहसी खोज में नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है। हालांकि फानी के नेतृत्व में चाकूधारी डाकू का एक गिरोह ट्रेन में यात्रा को अंतिम करना शुरू कर देता है, जहाँ अमृत और उसका दोस्त विदेश यात्रियों को बचाने के लिए डाकू से भिड़ जाते हैं। टोरंटो में अपने प्रेमिया से 1 महीने से भी कम समय पहले धर्मा पोरकसन और सिक्या एंटरटेनमेंट ने मई 2023 में घोषित एक कंटेंट पार्टनरशिप के तहत पहली बार निखिल नागेश की भट्ट की दर निर्देशित फिल्म किल की घोषणा की। सुभाष की जा के साथ एक संगीतकार में निर्देशन निखिल नागेश भट्ट ने कहा कि अभिनेता को MMA कलाकारों के साथ शिक्षित किया जाना था। भट्ट ने एक संगीतकार में यह भी कहा कि किल 99.5 में उसके द्वारा अनुभव की गई एक वास्तविक जीवन की ट्रेन टकेटी से प्रेरित थी। गीत निकट को रेखा भरदार ने गाया और गाने का संगीत हारून गोविंद ने बनाया और गीत सिद्धार्थ कौशल की द्वारा लिखे गए जाकू राखी साइया विक्रम मैंटूस की द्वारा रचित और शेखर रचित तत्व की द्वारा लिखित है। किल का प्रीमियर 7 सितंबर 2023 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मिडनाइट मैडनेस एक्स में हुआ। फिल्म 5 जुलाई 2024 को भारत में एक नाटकी रिलीज है। अक्टूबर 2023 में लायस गेट ने उत्तरी अमेरिकी और यूनाइटेड किंगडम के लिए वितरण अधिकार हासिल कर लिए, जो कि हॉलीवुड स्टूडियो की तरह संयुक्त रहे अमेरिका में सीधे रिलीज करने के लिए हिंदी भाषा की फिल्म हासिल करने का पहला उदाहरण था। फिल्म को उत्तरी अमेरिका में 20 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज किया गया। लाइस गेट ने रोड साइड और टी क्रॉसन के साथ मिलकर बाद में भारत में रिलीज होने से एक दिन पहले 4 जुलाई 2024 को संयुक्त अमेरिका में एक नाटकी रिलीज के लिए फिल्म को शेड्यूल किया। बीफ डिस्ट्रीब्यूशन 5 सितंबर 2024 को अर्जेंटीना थिएटर रिलीज के लिए फिल्म को रिलीज करने के लिए तैयार है। पेरिस फिल्म 9 सितंबर 2024 को ब्राज़ील का सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज करेगी। पैराडाइव ग्रुप ने 25 जुलाई 2024 को रूसी सिनेमाघरों में के नाम से फिल्म को रिलीज करने के लिए वितरण अधिकार हासिल किए। समीक्षा एक दी ग्रेटर वेबसाइट रिटर्न टोमाटोज पर 91 आलोचकों की 90 समीक्षाएं सकारात्मक, जिनकी औसत रेटिंग
स्टीवन टेन है। रिवरसाइड के आम सहमति कहती है कि एक आर्थक रोमांचकारी सवारी कोई कच्ची भावनात्मक दाव पर आधारित है, किल एक ऐसा सैंडविच पेश करती है जिससे एक्शन प्रसंस खुशी खुशी खाएंगे। मेटाक्रिटिक ने एटी आलोचकों के आधार पर आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं का हवाला देते हुए 100 में से 74 के स्कोर के साथ फिल्म को रेट किया। इंडिया टुडे की जीनिया बधु पाग्याय ने फिल्म को 4.55 स्टार दिए और लिखा, यह एक्शन और अन्य सभी प्रशंसकों के लिए देखने लायक है। Reddit.com की सुकन्या वर्मा ने 4.5 स्टार दिए और कहा, हिस्सा के बारे में एक अति हिंसक फिल्म की किल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ इसकी मृत्यु संख्या नहीं है बल्कि हिस्सा के बारे में हमारी धारणा को चुनौती देना है। बॉलीवुड हंगामा ने 3.55 दिए और लिखा, कुल मिलाकर के किल एक हिंसक और स्टाइलिश एक्शन एंटरटेनर। NDTV के साइबल चटर्जी ने 3.55 स्टार दिए और कहा कि किल में एक नैतिक दिशा निर्देश है जो सामने आने वाली युद्ध के लिए एक स्पष्ट दर्दक है। पिंक व्हीलर की सिरिस्टिल जुगानी ने 3.55 स्टार दिए और लिखा, एक सघन कथानक और अधिक भयानक। प्रीति पक्षी के साथ किल एक फिल्म के रूप में और भी बेहतर काम कर सकती थी। द इंडियन एक्सप्रेस की सुभा गुप्ता ने कहा कि किल एक दुबली पतली मतलबी हत्या मशीन है। द हिंदू की शिलाजीत मित्रा ने लक्ष्य के अभिनय की प्रशंसा की और कहा, लक्ष्य जिसे हिंदी सिनेमा की नई हत्या मशीन के रूप में अत्यधिक प्रचारित किया जा रहा है, पसीने से तर मजबूत और खौलता हुआ है। युवा अभिनेता टाइगर श्रॉफ या विरु जामवाल की एट लेडी कटा को नकराता है। इसके बजाय आधी केंद्रित संघर्षपूर्ण लड़ाई शैली को विकल्प चुनता है। मीन की उदय भाटिया ने कहा कि किल वास्तव में एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म नहीं, इसमें कोई स्लो मो नहीं है, कोई रिलीज नहीं, कोई सांस लेने की जगह नहीं। स्क्रॉल इन की नंदिनी रामनाथ ने टिप्पणी की, फिल्म का सबसे यादगार दृश्य इस सीधे हॉरर क्षेत्र में ले जाता है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के कार्तिक भरदार ने 4.5 स्टार दिए और लिखा, यह अपनी खुद की कहानी बुनता है। हाथापाई और उड़ते हुए किक पहले आते फिल्म की किल को अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों से प्रशंसा मिली। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की किम न्यूमैन ने कहा, पहला भाग बिल्कुल धीमा नहीं है लेकिन वास्तविक कार्रवाई शुरू होने से पहले बुनियादी संघर्षों को स्थापित करना शुरू होगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स की जीनेट की कैट स्टाइलिस ने फिल्म को आर रेटिंग दी और लिखा, आधी खत्म हेर फेर एक परेशान करने वाली हत्या लगभग अश्लील रूप से लंबी है। फिल्म चकदार रूप से प्रभावशाली और डरनी रूप से क्रू है। द गर्जियन की कैथरीन ब्रे ने कहा कि किल की उचित से को एक ऐसी ऊर्जा और उत्साह के साथ हासिल किया गया जो इसे एक्शन सिनेमा एक स्वादिष्ट टुकड़ा बनाता है जो अपनी मुक्कों को नहीं खींचता या उंगलियों को चटकाने वाला अच्छा है। द टाइम्स की केविन महर ने कहा, कथानक दर्दनाक रूप से सती है और अमृत नामक एक घातक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कमांडो को रखता है। क्लाइडर की नेट रीचर ने फिल्म को बी रेटिंग दी और लिखा, निखिल नरेश भट्ट की आक्रामक रूप से हिंसक एक्शन फिल्म एक पंक क्लासिक बनने के लिए कस किस्मत में है। वैरायटी की पीटर ट्रिब्रुज ने लिखा, देश में अब तक बनी सबसे क्रूर फिल्म किल एक चौंकने वाली ग्राफिक एक्शन सुकेश है जो एक ऐसे उद्योग से जो आमतौर पर हिंसा को आर्य कर्तूनी रजिस्टर में दिखाता है। द मर्करी न्यूज के रैन मैरिस ने कहा, करहाने वाले 50 मिनट की प्रदर्शन के बाद फिल्म उस सभी सम्मान को छोड़ देता है और एक धमाकेदार फिल्म बन जाती है। जबकि लक्ष्य के हमारे अगले बड़े एक्शन स्टार बनने के लिए एक ठोस तर्क देती है। बॉलीवुड रिपोर्टर के फ्रेक शेख ने कहा, लड़ाई के दृश्य बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ फिल्माए और इस्पादित किए गए लेकिन वे अपने बिना रुके इतनी बेरहमी से चलते कि देखने का अनुभव सुरोना हो जाता है। इंडी वायर की डेविड आर्लिस ने फिल्म को बी रेटिंग दी और कहा कि किल अपने मुक्तप्रोण सेंसर के साथ बहुत बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं लेकिन साथ भट्ट की एक्शन असाधारण के बारे में सबसे आयोजनक बात यह है कि यह कभी भी ट्रैक से हटे बिना उम्मीदों को उलट देती है।
सीजी मैगजीन को तामिल सॉकी लैपटॉन 8/15 रेटिंग दी और लिखा कि साल की 37 एक्शन फिल्मों से एक है और एक्शन प्रशंसकों को इसे अपने रडार पर रखना चाहिए। फिल्म की मैट डोनाटो ने फिल्म को 10 में से 9 स्टार दिए। उन्होंने यह भी कहा, कोई भी आनंददायक बॉलीवुड डांस इंटरल्यूड नहीं है, यह RR नहीं है। भट्ट की शानदार क्रू फिल्म में द नाइट क्रॉम्स फार अस या द रेड जैसे कि इंडोनेशियाई बदमाशी से ज़्यादा समंदर जो चाकू की घाव से खून की नदी की तरह बहने वाली खतरनाक हिंसा को बढ़ाती है। स्लेट मैगजीन की राय कि मैक इंडो ने फिल्म और हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हिंदी मूवी की भाषा में। तो दोस्तों अगर आप लगुनीत मोगा की फैन हो और किल मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किल 22/3 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो निखिल गणेश भट्ट की द्वारा लिखित और निर्देशित है और करण जौहर, गुनीत मोगा, अपरू मेहता और अचिन जैन की द्वारा निर्मित है। फिल्म में नवोदित लक्ष्य के साथ राघव जियाल, आशीष विद्यार्थी, हर्ष छाया, तानिया मणि कतला और अभिषेक चौहान हैं। फिल्म किल का प्रीमियर 7 सितंबर 2023 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ जहां यह फिल्म पीपल्स चॉइस अवार्ड मिडनाइट मैडनेस के लिए फर्स्ट रनर अप रहा। इसे जून 2024 में ट्रिब्रेका फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया कि फिल्म को 5 जुलाई 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया और इसी आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। सेना की कमांडो अमरूत राठौर को पता चलता है कि उसकी प्रेमिका तुरिका की सगाई उसकी मर्जी के खिलाफ हो गई जहां वह शादी को रोकने के लिए एक साहसी खोज में नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है। हालांकि फानी के नेतृत्व में चाकूधारी डाकू का एक गिरोह ट्रेन में यात्रा को अंतिम करना शुरू कर देता है जहाँ अमृत और उसका दोस्त विदेश यात्रियों को बचाने के लिए डाकू से भिड़ जाते हैं। टोरंटो में अपनी प्रेमिया से 1 महीने से भी कम समय पहले धर्मा पोरकसन और सिखिया एंटरटेनमेंट ने मई 2023 में घोषित एक कंटेंट पार्टनरशिप के तहत पहली बार निखिल नागेश की भट्ट की दर निर्देशित फिल्म किल की घोषणा की। सुभाष के जा के साथ एक संजयकार में निर्देशन निखिल नागेश भट्ट ने कहा कि अभिनेता को MMA कलाकारों के साथ शिक्षित किया जाना था। भट्ट ने एक संजयकार में यह भी कहा कि किल 99.5 में उसके द्वारा अनुभव की गई एक वास्तविक जीवन की ट्रेन तो कहती से प्रेरित थी। गीत निकट को रेखा भरदार ने गाया और गाने का संगीत हारून गोविंद ने बनाया और गीत सिद्धार्थ कौशल की द्वारा लिखे गए जाकू राखी साइया विक्रम मैंटूस की द्वारा रचित और शेखर रशि तत्व की द्वारा लिखित है। किल का प्रीमियर 7 सितंबर 2023 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मिडनाइट मैडनेस एक्स में हुआ। फिल्म 5 जुलाई 2024 को भारत में एक नाटकीय रिलीज है। अक्टूबर 2023 में लायंस गेट ने उत्तरी अमेरिकी और यूनाइटेड किंगडम के लिए वितरण अधिकार हासिल कर लिए जो कि हॉलीवुड स्टूडियो की तरह संयुक्त रहे अमेरिका में सीधे रिलीज करने के लिए हिंदी भाषा की फिल्म हासिल करने का पहला उदाहरण था। फिल्म को उत्तरी अमेरिका में 20 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज किया गया। लाइसिट ने रोड साइड और टी क्रॉसन के साथ मिलकर बाद में भारत में रिलीज होने से एक दिन पहले 4 जुलाई 2024 को संयुक्त अमेरिका में एक नाटकीय रिलीज के लिए फिल्म को शेड्यूल किया। बी डिस्ट्रीब्यूशन 5 सितंबर 2024 को अर्जेंटीना थिएटिकल रिलीज के लिए फिल्म को रिलीज करने के लिए तैयार है। पेरिस फिल्म 9 सितंबर 2024 को ब्राज़ील का सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज करेगी। पैराडाइव
ग्रुप ने 25 जुलाई 2024 को रूसी सिनेमाघरों में के नाम से फिल्म को रिलीज करने के लिए वितरण अधिकार हासिल किए। समीक्षा एग्रीगेटर वेबर स्टार्ट रटन टोमेटोज पर 91 आलोचकों की 90 समीक्षाएं सकारात्मक जिनकी औसत रेटिंग 7/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है कि एक आतंक रोमांचकारी सवारी कोई कच्ची भावनात्मक दाव पर आधारित है कि एक ऐसा सैंडविच पेश करती है जिससे एक्शन प्रशंसक खुशी खुशी खाएंगे। मेटाक्रिटिक ने 80 आलोचकों के आधार पर आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं का हवाला देती हुई 100 में से 74 के स्कोर के साथ फिल्म को रेट किया। इंडिया टुडे की जीनिया बधु पाकिया ने फिल्म को 4.55 स्टार दिए और लिखा, यह एक्शन और अन्य सभी प्रशंसकों के लिए देखने लायक है। Reddit.com की सुकन्या वर्मा ने 4.5 स्टार दिए और कहा, हिस्सा के बारे में एक अति हिंसक फिल्म की किल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ इसकी मृत्यु संख्या नहीं है बल्कि हिस्सा के बारे में हमारी धारणा को चुनौती देना है। बॉलीवुड हंगामा ने 3.55 दिए और लिखा, कुल मिलाकर के किल एक हिंसक और स्टाइलिश एक्शन एंटरटेनर। NDTV के साइबल चटर्जी ने 3.55 स्टार दिए और कहा कि किल में एक नैतिक दिशा निर्देश है जो सामने आने वाली युद्ध के लिए एक स्पष्ट दर्दक है। पिंक व्हीलर की सिरिस्टिल जुगानी ने 3.55 स्टार दिए और लिखा, एक सघन कथानक और अधिक भयानक। प्रीति पक्षी के साथ किल एक फिल्म के रूप में और भी बेहतर काम कर सकती थी। द इंडियन एक्सप्रेस की सुबह गुप्ता ने कहा कि किल एक दुबली पतली मतलबी हत्या मशीन है। द हिंदू की शिलाजीत मित्रा ने लक्ष्य के अभिनय की प्रशंसा की और कहा, लक्ष्य जिसे हिंदी सिनेमा की नई हत्या मशीन के रूप में अत्याधिक प्रचारित किया जा रहा है, पसीने से तर मजबूत और खौलता हुआ है। युवा अभिनेता टाइगर श्रॉफ या विरु जामवाल की लेडी कटा को नकराता है। इसके बजाय आदि केंद्रित संघर्षपूर्ण लड़ाई शैली को विकल्प चुनता है। मीन की उदय भाटिया ने कहा कि किल वास्तव में एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म नहीं, इसमें कोई स्लो मो नहीं है, कोई रिलीज नहीं, कोई सांस लेने की जगह नहीं। स्क्रॉल इन की नंदिनी रामनाथ ने टिप्पणी की, फिल्म का सबसे यादगार दृश्य इसे सीधे हॉरर क्षेत्र में ले जाता है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के कार्तिक भरदार ने 4.5 स्टार दिए और लिखा, यह अपनी खुद की कहानी